सर आपने पार्टीशन म्यूजियम से बात करने के लिए हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आप हमें अपना पूरा नाम, पैदाइश की जगह और पैदाइश की तारीख बताइए। रोशन लाल चक्कर, मेरे पिताजी का नाम लाला सोमदत्त चक्कर, म्याणा मतलब मियाँ वाली, डेट ऑफ बर्थ मेरी है 17 मार्च 1936। सर हम 1 नवंबर 2021 को दोपहर 1:20 पे ये इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, और एक बार आपका फिर शुक्रिया कि आपने हमसे बात करने के लिए आप राजी हुए। तो सर सबसे पहले आप बताइए कि आपके परिवार में बंटवारे से पहले कौन कौन था? मेरे पिताजी, माताजी, मेरे हम 5 भाई थे उस वक़्त, सबसे बड़ा मैं हूँ, और मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंड मदर समझो दादा दादी, और हमारे एक ताऊ के बड़े ताऊ, उनकी फैमिली वो वहीं रहते थे मियांवाली में। बाकी हमारे चाचा एक रेलवे स्टेशन में, रेलवे स्टेशन जलंधर सिटी में असिस्टेंट स्टेशन मास्टर थे, एक चाचा हमारे आर्मी में थे, एक चाचा हमारे कोल मर्चेंट थे वो लाहौर में रहते थे, और उनका ऑफिस दिल्ली भी था, लाहौर भी था, वो अपने चम्बला ब्रदर्स के नाम से उनका फर्म थी उनके इलाज के साथ में, तो जरिया धनबाद बिहार में भी उनके ऑफिस थे, तो कोयल का काम था, कोयले का। और हमारे चाचा जो एक चाचा हमारी डेथ हो चुकी थी, जो मियाँ वाली जो हमारे चाची साथ रहती थी ये, और हमारे फिर उनके फैमिली सब उन बच्चों के सब साथ साथ ही थे। जैसा कि आपने बताया कि आपकी पैदाइश की तारीख 1936 17 मार्च थी, तो आपको आपको याद है कि बंटवारे से पहले जिंदगी कैसी थी मियांवाली में? बिल्कुल याद है, असल तो हम इस 2 साल पहले की है, 1.5 साल पहले की डेट है, लेकिन वो पुरानी डेट नहीं किसी को याद थी, तो जब यहाँ पार्टीशन के बाद दिल रिवाड़ी आए तो स्कूल में दाखिले तो उन्होंने ये डेट लिख दी 17 मार्च 1936। वैसे तो 1.5 साल आगे पीछे किए, पहले किए। तो आप हमें कुछ बंटवारे से पहले की जिंदगी के बारे में बताइए कि मियांवाली में। हाँ, मियांवाली में मैं जब ये पार्टीशन हुआ तो 7वीं क्लास तक पढ़ता था। 7वीं क्लास जब ये उस वक्त इम्तहान नहीं हुए थे मार्च के अंदर, ये 11 मार्च 1947 को ये थोड़ी गड़बड़ शुरू हो गई थी, तो उसके पहले मैं 6ठी में पढ़ता था, 6ठी में फिर 7वीं चढ़ा था तो ये सारी गड़बड़ शुरू हो गई। तो 6ठी पहले 4थी तक हमारे घर के साथ प्राइमरी स्कूल था, बिल्कुल घर के पास में, उसके बाद 6ठी 5वीं 6वीं 7वीं जो हम इधर लोअर मिडिल स्कूल ज़्यादा खैर ये बल्लो खैर रोड मियांवाली में वहाँ पढ़ा, वो भी 7वीं तक वहाँ पढ़ा, वो लोअर मिडिल स्कूल था, 8वीं तक स्कूल था, तो उस वक्त 7वीं पढ़ते सारी ये गड़बड़ शुरू हो गई। तो फिर हम लोग वहाँ से, हमारे चाचा जी में थे वो हमको लेकर के आए। जी, मैं इस पे तो आता ही हूँ गड़बड़ पे, बट बंटवारे से पहले आपके आपको क्या त्यौहार मनाए जाते थे घर में, आपको अगर याद हो? हाँ मुझे याद है, हाँ होली बहुत खेलते थे, रामलीला खेलते थे, और रामलीला होली दशहरा बड़ा फेस्टिवल था, दशहरा फेस्टिवल था, और मुसलमान लोग ईद मनाते थे, और हमारे बैसाखी बहुत बड़ा फंक्शन था पंजाबियों में, 13 अप्रैल को हर साल बैसाखी का मेला लगता था, और बाकी त्यौहार तो यही मेन त्यौहार तो होली दिवाली दशहरा यही मेन थे। से पहले इलाके में ताल्लुकात कैसे थे बाकी हर मज़हब? बिल्कुल घरेलू ताल्लुकात थे, और कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं थी, आना जाना औरतें भी आना जाना एक दूसरे के घरों में, हम लोग खुद बच्चे जो थे स्कूल में जाते इकट्ठे जाते इकट्ठे खा आते, कभी वो हमारे घर खा लेते कभी हम उनके घर चले जाते, कोई किसी किस्म का भी डिफरेंसेस नहीं थी कि मज़हब के लिहाज से कोई किसी का इख्तलाफात नहीं थे, बड़ा प्यार मोहब्बत था, बहुत एक दूसरे को जान से भी प्यारे होते थे। कहते हैं ना घर की जो इलाके की मिट्टी होती है
ये उस इलाके जो कुत्ता होता है चाहे कोई भी कौम का, वो भी प्यारा लगता है, वो भी अच्छा लगता है। और जहाँ इंसान पैदा होता है ना और बच्चा रींगता है, साल दो साल के बाद रींगता है ना, जो ज़मीन पर जीप चाटता है ना, वो जगह कभी भूल नहीं सकती है, वो जगह कभी नहीं भूल सकते, चाहे कितनी बड़ी उम्र भी हो जाए वो जगह नहीं भूल सकते। तो इसलिए मैं पूरा याद है। और मैं उसके बाद मैं कई बार गया और एक से एक कहानी बढ़ कर है, बहुत प्यार मिलता है, बहुत इतना प्यार करते हैं कि जैसे भाई अपना भाई बहन हो, एक ही खानदान के हो। आपको याद है आपने कुछ इंडिपेंडेंस मूवमेंट की बात कभी सुनी हो उस वक्त? बिल्कुल सुनी भी थी, देखी भी है, और उसको उन्हीं दौरान में हम लोग आए जी। तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ पूछिए। ये 11 मार्च जब पहले बड़ी गड़बड़ हुई 11 मार्च 1947 को, तो उस वक्त बड़े इम्तिहान हो रहे थे मैट्रिक इम्तिहान हो रहे थे, तो कई जैसे मियाली के सेंटर, लड़कियों के सेंटर किसी और शहर बखर में था, किसी का किसी शहर में था, किसी का इसी शहर में। तो उन दिनों बहुत बड़ा पैनिक था, मजहबी ख्याल से एक दूसरे को लड़ाई होने से लग गई। तो उसके पहले कोई झगड़े का नाम ही नहीं था। तो फिर हम लोग जलंधर, मेरे चाचा जी जो सबसे बड़े ताऊ थे वो सिस्टर मास्टर थे जलंधर सिटी, तो फिर उन्होंने हमें बुलाया कि आप आ जाओ। हम लोग सारे, मेरे दादा दादी, मेरे पिताजी, ये सारी फैमिली, हमारी चाची जो हमारे साथ है, वो सब जलंधर आ गए। घर का जो कीमती सामान वगैरह था, वो हमारे वैसे कपड़े की दुकान थी वहाँ पर, तो ये सारा जो कीमती सीमती जो जितनी चीज़ उठा सकते थे वो हम जलंधर आ गए। घर को ताला, दुकानों को ताला लगा करके साथ ले आए चाबियाँ। फिर 15 अगस्त 14 अगस्त ये जब ये पार्टीशन डिक्लेयर हो गया, अब सब लोगों ने सोचा कि पाकिस्तान बन गया तो पब्लिक थोड़ी कहीं आई जाएगी, पब्लिक तो अपने शहरों में ही रहेगी। तो फिर हम लोग 20-25 अगस्त को फिर वापस चले गए, फिर सारा सामान ले करके। अब मुल्क अलग अलग बन गए तो लोग अपने घरों में जाके रहेंगे, जैसे पहले भी तो ज़माने में कई बादशाह हुकूमतें आईं, अंग्रेज़ों की आईं, सिखों की आईं और मुग़लों की आईं, कई महाराजे राजे महाराजे आए तो हुकूमतें, लेकिन पब्लिक तो वहीं की वहीं रहती थी ना, पब्लिक तो कभी माइग्रेट किसी जगह भी नहीं हुई थी। ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड था कि जो पब्लिक भी अपने घर बार छोड़ करके माइग्रेट होके अपने घरों से बाहर आए, दूसरे शहर में चले गए। तो फिर 15 अगस्त के बाद 20-25 अगस्त को फिर कई लोग वापस जाने शुरू हो गए, हम लोग भी सारे वापस चले गए। फिर ये सितंबर के एंड में एक गड़बड़ शुरू हो गई, फिर ऐसी गड़बड़ शुरू हो गई कि बस फिर तो वहाँ जीना ही मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। उसके बाद में फिर हमारे चाचा जी जो थे वो आर्मी में थे फिरोजपुर कैंट, तो मेरी बड़ी मौसी वो मेरे मास्टर जी थे वो मिल्ट्री डेयरी फार्म में मैनेजर थे, तो आपस में मासी हमारे चाचा रोज़ मिलते रहते थे, भाई अब प्रोग्राम बना भाई किस तरीके से। वो उन्होंने कहा हमारी फैमिली भी लानी है और आपकी फैमिली भी लानी है, तो किसी तरीके से ऐसा कोई प्रोग्राम बनाओ। हम तो ट्रक आर्मी वाले, उन्हें मेरे चाचा जी हम आर्मी के परमिशन ले लेते 6-7 जवान ले करके, और जो आर्मी का मिल्ट्री डेयरी फार्म का आप ट्रक दे का बंदोबस्त कर दो, तो मैं जाकर उनको ले आऊँगा। उन्होंने ट्रक का बंदोबस्त कर दिया और उन्होंने उस वक्त ऑफिशियल परमिशन मिल जाती थी तो अपने रिश्तेदारों को लाने जाने के लिए। तो इसी तरह एक दिन वो 23-24 सितंबर के आसपास 22 या 23 इसी तरह वो सुबह यहाँ से फिरोजपुर से गए, शाम को मियांवाली पहुँच गए बरास्ता लाहौर सरगोधा होकर के। तो ट्रक पहले हमारे घर में गया मियाने महल्ले में, तो वो खुली सड़क थी तो ट्रक आराम से चला गया। तो जब घर पहुंचे चाचा जी तो देखा ताला बंद, फिर उन्होंने अपने पड़ोसी साहब, उनको तो जानते थे वहीं तो रहते थे बचपन तो उनका वहीं गुजरा, उन्होंने पूछा भी कहाँ गए हमारे पिताजी और हमारे भाई साहब के साथ। वो बोले गुरु बाजार में तुम्हारे बड़े चाचा जी के ससुराल गुरुद्वारे के साथ में, वहाँ उनके घर चले गए, सारे लोग वहीं बैठे। फिर वो ट्रक ले करके वहाँ गुरु बाजार आए, मेरे ताऊ जी जो दूसरे ताऊ जी थे उनके ससुराल में। फिर वहाँ जब से ट्रक पहुँचे तो हज़ारों आदमी इकट्ठे हो गए, मुझे ले चलो मुझे ले चलो मुझे, और ट्रक भर गया
ना पता नहीं कौन कौन बैठ गया। फिर हमारे घर वालों में कोई भी नहीं बैठा उस वक्त, ना हमारे मौसी के घर वाले कोई बैठे। फिर उन्होंने मेरे पिताजी ने और हमारे चाचा जी ने कहा कि पहले अपने घर वालों को बिठाओ, मौसी के घर वालों को बिठाओ, फिर जो होंगे तो हम आप लोगों को ले चलेंगे, लेकिन अभी आप जगह ये खाली कर उतरो। वो फिर उतरे, फिर मेरे मौसी के मेरे हमारी जितनी फैमिली थी, मेरी मामा मामी भी खुद उसी जगह पर थे। फिर उसमें मेरे माता जी, मेरे भाई, हम उस वक्त 5 भाई थे। तो मैं जो पहली बारी वापस आए थे ना, जब मार्च में आए थे, तो मुझे वहाँ जलंधर छोड़ गए थे चाचा। बड़े ताऊ जी ने कहा कि इसको एक आदमी को छोड़ जाओ, एक लड़के को, खुदा न खासा अगर कोई गड़बड़ हो जाती है, एक निशानी यहाँ पर आपकी होनी चाहिए, बच के आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो ये कोई तो आपका एक यहाँ रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। मुझे अपनी निशानी वहाँ छोड़ी थी। तो फिर मेरे 4 भाई, छोटा सबसे था वो 1.5 साल का था, तो 4 भाई, मेरे माता जी, पिताजी, मेरे दादा दादी, मेरे चाची के रिश्तेदार, फिर हमारे बड़ी मौसी के सारी फैमिली को बिठाया, मेरा मामा मामा भी, वो तो दोनों घरों के कामन थे, नाना नानी दोनों के घरों में कामन थे। इस तरह करके 60 आदमी बिठा दिए, बिठा करके तो शाम को कोई तकरीबन 6:30 बजे के करीब वहाँ से निकले। जैसे ही शहर से बाहर थोड़ा रेलवे के क्रॉसिंग आती है, क्रॉसिंग के बाद फिर मेरे भाऊ जी ने कहा, हमारे चाचा जी ने भी कहा कि अपने बच्चे तो संभालो, अपने घर के मेंबर पूरे हैं कि नहीं। देखा तो एक छोटा भाई हमारा सतपाल नहीं था। फिर गाड़ी वहीं खड़ी करके तो मेरे भाऊ जी, मेरे पिताजी सैनी और चाचा जी और एक जवान आर्मी के ले करके उसको ढूंढ के ले आए। फिर उसको बिठा कर रात को तक 10-11 बजे सरगोधा पहुँचे। सरगोधा जब पहुँचे वो 138 किलोमीटर है, तब वहाँ पता चला कि मियाँ वाली पर अटैक हो गया है। बस 3-4 घंटे की बात थी, अगर ये भी लोग रह जाते तो बचत आना बहुत ही मुश्किल था। ये भगवान की कृपा से ये सारे बच गए, और वहाँ पर जो रह गए थे उनमें से हमारे कई रिश्तेदार अटैक में मारे गए, कई मारे गए। जो ट्रक में नहीं बैठ सके, मेरे मामा एक रह गए, वो बच गए। बाद में मेरी चाची की बड़ी बहन थी, वो बैठती नहीं बैठती थी, लेकिन उसने ज़बरदस्ती बिठा दिया। और उनके बड़े भाई तो वो रह गए, वो मारे गए। कई लोग इसी तरह से मारे गए और कई बच के आ गए। तो फिर सरगोधा में 4 दिन वहाँ रहना पड़ गया, रास्ता बंद, कुदरती बारिश आ गई, बरसात बेमौसमी बारिश, इतनी बारिश आ गई कि रास्ते सारे तो सैलाब आ गया, पानी 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 पानी। उसके बाद वे 3-4 दिन के बाद वहाँ से कोई और आगे शहर आता जड़े वाला, वहाँ 2-3-4 दिन रुकना पड़ा। फिर उसके बाद कोई दो और कोई शहर आते, 15 दिन के बाद में वो तरन तारण पहुँचे। रास्ते में जो लास्ट स्टेशन था कसूर, कसूर में जब पहुँचे ना तो कसूर वो बड़ा मिलिट्री हेडक्वार्टर है, तो मेरे चाचा भी मिलिट्री में थे, तो उनके कोई अफसर वही पोस्टिंग होकर पहले आए थे। अब कितने दिन 4 दिन से बिल्कुल भूखे प्यासे थे, पानी भी बड़े नहीं मिल रहा था, या कभी रास्ते में कोई मिल जाए मिलिट्री वाले जाके कुछ खाना वाना ले आए, खा पी लिया कुछ। इसी तरह से 13-14 दिन गुजारा किया। तो रात को जब कसूर पहुँचे, वो 15वां दिन था, जब पहुँचे तो अब चाचा ने हमारा कहा उस कैप्टन साहब का घर उनका पता था, उनके घर चले गए। रात को 12 बजे थे, तो जब दरवाज़ा खोला तो वो उठ के आए, वो घनश्याम मेरे चाचा जी के नाम घनश्याम थे। घनश्याम तू इस वक्त कहाँ पर? कहते अभी इस तरह के ज़्यादा चुपके से बात कर लो, हमारे फैमिली पूरी है, मैं मियाँ वाले से सबको ले कर आ रहा हूँ, तो आप इसको खाने छाने का पहले बंदोबस्त करो। मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया था सितंबर के एंड में, तो रात को उन्होंने खाना वाने का बंदोबस्त किया। फिर उन्होंने कहा हमें बचाना भी है, तुमने बोला तो बिल्कुल मौत का मुँह वाली जगह आ गई, सारा मिलिट्री एरिया, किसी को पता लग जाएगा तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, मेरे को भी परेशानी हो जाएगी, आपको भी परेशानी हो जाएगी। उनका हम आपके हवाले हैं, जो सब होगा बर्दाश्त करेंगे। तो फिर सुबह उन्होंने रोशनी से पहले ही बॉर्डर पास करवा दिया, इंडिया बॉर्डर पार करा के, पाकिस्तान हिंदी बॉर्डर करा के वो तरन तारण पहुँच गए। उसके बाद में फिर तरन तारण
उधर से और कई बार उन्होंने तरन तारण कहा भी हमारा कोई अमृतसर नज़दीक है वो कैसे तरन तारण बार्डर छोड़ करके आ गए। तो दोपहर के बाद अमृतसर हो करके जलंधर पहुंच गए, तब खुशी में सांस की सांस आई। 15 दिन के बाद पहुंचे, ये पोजीशन से हम वापस पहुँचे। जब आप मार्च में पहली बार आए थे, हाँ, तब आप कैसे आए थे, ट्रेन से? हाँ, तब तो ट्रेन नॉर्मल चल रही थी, हाँ ट्रेन चल रहा, ट्रेन में आए थे सर आसमान, वहाँ से लाहौर आती है, लाहौर से फिर इधर जलंधर आ गए थे। और जब दूसरी बार जब आप ट्रकों में सामान लेके आए थे, हाँ, ट्रकों में सामान कुछ नहीं लाया, चाचा जी ने कहा खाली आदमी बिल्कुल खाली बैठो, जितने आदमी ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएं आदमियों को ले चलो, औरतें आ जाएं, जो औरतें हैं बच्चे हैं सब आ जाएं, लेकिन सामान सामान की जगह नहीं है, जो जो आपके जेब में है उसी से लेके चलो, बस बैठो गाड़ी में ट्रक में बैठो और सामान सामान की कोई लालच नहीं करो, आगे सामान फिर बन जाएंगे। अगर सामान ले देते इतने आदमी कहाँ आते, अब 60 आदमी ले करके आए एक ट्रक में, 60 आदमी बैठ के आए, न कोई सीट है न कोई, जो खाली ट्रक होते मिल रही थे न कोई बेंच न कुछ, ऐसे भेड़ बकरी की तरह लाद करके ले करके आए। भगवान की रास्ते में किसी को कोई परेशानी नहीं हुई और सब सही से, कोई बीमार भी नहीं हुए, ठीक ठाक सारे पहुंच गए। जलंधर में आपका कौन था? हमारे बड़े ताऊ जी थे रेलवे के स्टेशन सिटी, जलंधर सिटी स्टेशन पर वो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर थे, वहाँ पर हम 10-15-20 दिन रहे, फिर सब काम की तलाश में करते रहे कहाँ जाएँ। अपा कोई कहता था कि मियाँ वाली के लोग जो हैं ज़िला गुड़गांव वाला आटू है, कोई कहता है किधर चले, कोई कहता है किधर चले, इस तरह करते करते सलाह मशा करते 2-2.5 महीने जलंधर है, वहाँ कुछ सेट नहीं बैठा काम। फिर छोटे चाचा जी के पास फिरोजपुर कैंट है, वहाँ 2-3 महीने रहे, वहाँ भी कोई काम का सिलसिला नहीं बना। उसके बाद फिर हम कोट कपूर आए, वो फाजिल का रेवाड़ी वाली लाइन पर कोट के बिठंडा के पास में, तो कोट कपूर है वहाँ, वहाँ पर 10-15 दिन रहे। तो उस वक्त ये 30 जनवरी हो गई थी, महात्मा गांधी साहब की ये शाम को डेथ हो गई थी, उसके बाद अंधेरा खूब हो गया था उस वक्त। तो फिर 5-4 दिन के बाद वहाँ से रेवाड़ी आए, वहाँ से सीधी रेवाड़ी चलती है गाड़ी, फाजिल का से रेवाड़ी वाली सीधी गाड़ी, वहाँ रेवाड़ी पहुँच गए। अब सामान तो कुछ था ही नहीं, न कपड़े न बिस्तर कुछ भी नहीं थे, वहाँ से बैठे रात को तो सवेरे पहुँच गए रेवाड़ी। अब बहुत सारे लोग ऑलरेडी पहुँचे हुए थे, मियाँ वाली के लोग शहर में गए, मिले कि एक दूसरे को कहाँ आप कहाँ रहते कैसे, बोले मकान खाली पड़े जो आपको अच्छा लगे कब्जा करो बाद में देखी जाएगी। तो फिर इस तरह मकान छप्पर वाले मकान थे, टूटे फूटे जैसे, कोई सारा मुसलमानों का मल्ला था, रेवाड़ी में मुसलमान बहुत थे, तो मुसलमान थे इतने अमीर आदमी नहीं थे रेवाड़ी साइड में, वो मकान भी इसी तरह थे ऑर्डिनरी मकान थे, वहाँ 2-3 कमरे का मकान लिया, वहाँ के कब्जा किया, ताला लगाया, वहाँ रहे आहिस्ता आहिस्ता, किसी को कुछ पैसे थे कुछ जेवर शेवर बेच बचा करके, तो फिर बिस्तर कपड़े बर्तन थोड़ा बहुत ले करके गुजारा शुरू किया। फिर मुझे स्कूल में दाखिल किया, मैं फिर उस वक्त 7वीं में दाखिल हो गया दोबारा रेवाड़ी में, 7वीं क्लास में दाखिल हो गया। तो फिर सर मार्च का महीना था ना, वो फिर अगला साल हो गया ना, ये साल तो फिर बेकार हो गया, दाखिल हो गया। फिर उसके बाद रेवाड़ी में जब स्कूल में दाखिल हो गया तो गवर्नमेंट हाई स्कूल में, उस वक्त सारे सब जगह दाखिला मिल जाता था, कोई सर्टिफिकेट जरूरत नहीं होती, पूछ लेते क्या डेट है, वो अपने आप ही भर लेते डेट। इस तरीके से फिर मैं 7वीं में दाखिल हो गया, फिर मैं रोज़ शाम को 4 बजे गाड़ी चलती थी रेवाड़ी से अहमदाबाद एक्सप्रेस, तो दिल्ली आना, दिल्ली से 100-200-300 का सामान लेकर के, कभी कुछ कभी कुछ कभी वो दूसरे रात को फिर वापस आ जाना बेचना दूसरे दिन मेरे पिताजी ने। तो फिर इसी तरह स्कूल भी जाना, शाम को रोज़ रेवाड़ी से दिल्ली आना, दिल्ली से फिर 200-300-400 इस तरह सेल करते रहे, 200-450 बढ़ते गए, फिर सेल करते रहे, फिर बढ़ते गए, इस तरह थोड़ा प्रॉफिट ऐड हो गया, करते करते खर्चा करते करते इस तरह कमाई बढ़ती गई, तो फिर थोड़ा बहुत रोटी का गुजारा चल पड़ा। बाकी भाई सारे छोटे थे, मैं उस वक्त 13 साल का था,
तो बाकी भाई कोई 10 साल का था, कोई 7 साल का, कोई 6 साल का, छोटा वाला सब डेढ़ साल का था। तो बड़ी भारी बीमारी थी बाबू जी की, साथ में पूरा हाथ बटाता था। इस तरह करते करते 7वीं पास करी, 8वीं पास करी, 9वीं पास करी, 10वीं पास करी। तो आहिस्ता आहिस्ता कभी करियाने का काम करते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे मशीनों का काम करते, कलर सिलाई मशीनों का, वहाँ रिपेयर के आदमी बिठा लिए। फिर मेरी चाचा जी ने बुला लिया, मैट्रिक पास जिस जून में रिजल्ट निकला तो फटाफट मुझे इतला दी कि आप उधर आ जाओ, मेरे बहू जी को बोल के इसको यहाँ भेज दो, इसे सरकारी नौकरी लगवा देते हैं। पहले अप्रेंटिसशिप होगा 3.5 साल का, उसके बाद फिर ये परमानेंट हो जाएगा। फिर मेरे वहाँ जाके इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू उस वक्त मैट्रिक उस ग्रुप में 10 आदमी का ग्रुप था, तो उस वक्त मैट्रिक में ही पास था, बाकी सारे को 9वीं 8वीं वाले थे। तो मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया, तो आज सिलेक्शन हो गया था, परसों तीसरे के चौथे में ड्यूटी ज्वाइन कर ली। तो 60 रुपये महीने की नौकरी थी, 60 रुपये महीने की भुसावल आर्डनेंस फैक्ट्री भुसावल में, 20 रुपये बेसिक भी थी और 40 रुपये DNS अलाउंस था, टोटल 60 रुपये तरह। और फिर 3.5 साल 60 रुपये मिलती रही, जिस सालाना 2 रुपये महीना इनक्रे 2 रुपये सालाना इंक्रीमेंट थी। तो फिर 3.5 साल के बाद में उस ड्यूरिंग 3.5 साल वो सब कहते थे कि अभी आप हर एक चीज़ की ट्रेनिंग लें, कारपेंटर की, लेथ मशीन की, ड्रिलिंग मशीन की, वेल्डिंग की, पेंटर की, गाड़ी रिपेयर की, इलेक्ट्रीशियन की, हर एक चीज़ की एलिमेंट्री ट्रेनिंग देते थे। फिर 3.5 साल के बाद वो कहते थे अब तुम्हारी चॉइस किस लाइन में है उसी में तुम्हारे को हम ट्रांसफ़र करेंगे। फिर मैंने टर्नर, मुझे जगह पसंद थी जो खराब मशीन होती है ना टर्नर, वहाँ लग गया। 3.5 साल के बाद मेरी तनख्वाह टोटल 80 रुपये हो गई, 40 रुपये और फिर 40 रुपये DNS अलाउंस, 80 रुपये हो गई। फिर 1.5 साल मैंने और 80 रुपये तनख्वाह टोटल मिलते थे मेरे को 82.5 रुपये लास्ट। तो 2 जुलाई 1951 को भर्ती हुआ और 2 जुलाई 1956 को मैंने रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन किस लिए किया, मेरे चाचा जी जो कोल मर्चेंट्स थे वो दिल्ली रहते थे, तो फिर मैं हर साल छुट्टी आया करता था, तो वो रेवाड़ी जाने के लिए दिल्ली से होके जाना है ना, तो फिर 1 महीने की छुट्टी आता था। वो जब 60 रुपये तनख्वाह मिलती थी उस 60 में से 30 रुपये महीने में घर भेजता था, और 30 रुपये महीने के मैं अपने घर का गुजारा, अपना खर्चा भी करना और 2-3 रुपये बचा करके, तो उसका 10-12 रुपये किराया लगता था भुसावल दिल्ली का। उस वक्त मैं 3-4 साल 3.5 साल तो मैं आधे टिकट पर आता रहा। फिर उसके बाद में जब छुट्टी आता था 1 महीना रहता था, तो उसके बाद में चाचा जी के पास आया, तो चाचा जी का कितनी 80 रुपये तनख्वाह मिलती है, तुम इतनी दूर रहते हो छोड़ो, तो मैं दिल्ली लगवा देता हूँ। उन्होंने मेरा उनकी वर्कशॉप बहुत थी जिसमें कोयला सप्लाई करते थे। चलो इतना बात बता लो, ये बात पूरी कर लीजिए। तो जो फैक्ट्री में उन्होंने वाकफियत बड़ी थी, तो मेरे को किसी फैक्ट्री में एक दिन किसी में भेजा, उन्होंने बोला हम 100 रुपये देंगे, दूसरी फैक्ट्री में गया तो उन्होंने 125 देंगे, तो 125 वाली में हम जहाँ 80 मिलते थे तो 125 मिलने लगने के लिए मुझे वो राज़ी हो गए देने के लिए, मैं फिर उधर नौकरी कर ली। इस तरीके से मैं 1 महीना जो छुट्टी आया था तो 10-15 दिन रेवाड़ी रहा, बाकी दिन मैं दिल्ली रहा, वो मतलब कर लिया वो पास, उनके भी सेटिस्फेक्शन हो गई भाई ये काम कर सकता है। मैं वापस गया भुसावल, वहाँ मैंने रिज़ाइन कर दिया। तो 1 महीने का नोटिस देना पड़ता, नहीं तो 1 महीने की तनख्वाह देनी पड़ती थी। अब 60 रुपये तनख्वाह वापस, 80 रुपये कौन तनख्वाह दे, 1 महीना मैंने नोटिस दे दिया, फिर पूरी तनख्वाह भी मिली और 1 महीने के बाद वहाँ से रिलीव होके पूरे 4 साल 364 दिन और 4 नून, ये मेरा सर्टिफिकेट अभी मेरे पास मौजूद है, वो इतने मैंने नौकरी की। और लास्ट पे ड्राम 82.5 रुपये 58 ये मेरा उस वक्त सरकारी 5 साल नौकरी करने के बाद। फिर मैं यहाँ शादरे में नौकरी करता था और पहाड़गंज रेलवे स्टेशन के सामने हम किराए पर रहते थे दोनों भाई। एक भाई मेरा जो छोटा था वो
मेरे से चार तीन चार साल छोटा था, वो उसने फिर आर्किटेक्टर का काम सीख लिया। चलो हाँ, लास्ट क्या था? आपके भाई आर्किटेक्ट बन गए थे? हाँ, आर्किटेक्ट बन गए। ये दूसरा नंबर भाई था, इसका नाम जगदीश कुमार। तो ये मेरे जो ताऊ के लड़के हैं ना, बड़े ताऊ के लड़के जो मियाँ कृष्ण लाल चाकर, ये उनके पास सीखता था काम। ये उसे करोल बाग रहते थे मानकपुरा। तो फिर जब मैं वहाँ से रिजाइन देकर आया, तो फिर मैं भी कुछ देर इनके साथ रहा। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता वहाँ मकान ले लिया, पहाड़गंज रेलवे स्टेशन नई दिल्ली के सामने बाजार के अंदर, 15 रुपये महीने पर किराए पर मकान ले लिया। फिर हम दो भाई रहने लग गए। वो करोल बाग जाता था, मैं शाहदरे जाता था। शाहदरे स्टेशन या नई दिल्ली स्टेशन से उतर करके घर राम को शाम को पैदल आना, तो वहाँ शाहदरे उतर करके फैक्ट्री पैदल जाना, वहाँ तकरीबन 1.5 किलोमीटर रास्ता था। आखिरी संसार सिलाई मशीन पर काम किया, कई ओवरों में भी काम किया, लेकिन लास्ट संसार में काम किया। तो मैं जब शाम को, उस वक्त मेरे को 125 रुपये तनख्वाह मिलती थी, तो मैं जब शाम को रोज़ घर वापस आता था, तो नई दिल्ली उतर करके फिर नई दिल्ली से बहाड़गंज मेन बाज़ार से घर आता था। तो रामद्वारा रोड है, सब्ज़ी मंडी चौक पर, वहीं हमने किराए पर मकान 15 रुपये किराया था, वहाँ रहते थे दोनों भाई। तो बाज़ार में एक दिन मैं स्टेशन उतर के पैदल आ रहा था, तो अब बिजनेस हाउस लाइन में कैसे पड़ा, ये अब यहाँ से शुरुआत होती है। तो वहाँ एक बटन बेचने वाला खड़ा था, ये जो कमीज़ के बटन है ना, तो इतने बड़े पत्ते में 144 बटन, 12 दर्जन का पत्ता पूरा, सवा एक दर्ज एक एक गुरस का, एक गुरस 12 दर्जन का होता है, तो एक 12 दर्जन का पत्ता 4 रुपये में बेच रहा था। तो मैं खड़ा हो गया, मैं देखता रहा, अभी 4 आने का पत्ता है, 12 दर्जन बटन है तो बड़े सस्ते हैं। तो मैं देखता रहा, मैं सोचा, मेरे जेब में हाथ डाले तो 3-4 रुपये थे, तीन चार रुपये बहुत होते थे ना। जब मैं फैक्ट्री में काम करता था तो वहाँ 4 आने की रोटी सवेरे खाना, 4 आने की शाम को, 4 आने में पेट भर जाता था। शादे स्टेशन के पास ही रोटी खा के, कभी घर नहीं उधर खा के, तो बाज़ार में घर आके दोनों भाई मिल के बना लिए। तो फिर बटन मैंने बड़ा मेरे को हैरानी हुई कि 4 आने में 12 दर्जन बटन कितने सस्ते हैं। मैंने 3-4 रुपये जितने थे सबके बटन ले लिए, तो 4 रुपये के तो 16 पत्ते आ गए। अब दूसरे दिन मैं काम पर नहीं गया, वो 16 पत्ते मैंने 4 आने के जो खरीदे थे 4 रुपये के, वो मैंने शाम के 2 घंटे में मैंने 10-12 रुपये के बेच दिए। मेरे को बड़ा हैरानी, देखो सारा दिन मैं नौकरी करता हूँ तो मुझे मिलते 30-40 रुपये रोज़ मिलते हैं, और अभी मैंने 2 घंटे में ये मैंने 4 रुपये के सामान खरीदे थे, 10-12 रुपये हो गए, तो 8 रुपये कमा लिए। दूसरे दिन मैंने वही 7 पैसों के फिर बटन ले लिए उसी से ही। तीसरे दिन मैंने फिर बेच दिए, 2 घंटे में मैंने सारे, आगे पहले 4 के लिए थे, फिर अभी 12-13 के ले लिए, तो 12-13 के मेरे बन गए 25-30 रुपये। तो 25-30 रुपये का मतलब कि 12-13 पर नफा आ गया। मैंने कहा बिला मारो नौकरी को, ये तो ये अच्छा काम है बिजनेस की नौकरी। सवेरे यहाँ से पैदल जाना घर से नई दिल्ली स्टेशन, रेलगाड़ी पर जाना, फिर हाँ नई शाहदरे स्टेशन उतर के फिर 1.5 किलोमीटर पैदल जाना, फिर वहाँ से रात को इसी तरह फिर रूटीन में आना। मैंने जी वो चाचा जी को बोले, मैं तो नौकरी छोड़ रहा हूँ। बोले क्यों? मैं मेरे को तो 125 तनख्वाह मिलती है, या 125 मैंने हिसाब से लगाया तो मैंने 3 घंटे में कमा लिए, उस हिसाब से 3 घंटे काम करके 5 घंटे मेरे बचते हैं, तो 5 घंटे में फिर और कोई काम कर लिया करूँगा। मतलब दो घंटे में मैंने 12-13 रुपये कमा लिए, उधर मिलते 4 रुपये मिलते थे। अब पहले थैले में वो बटन लेता था, पहले 16 पत्ते थे, फिर 25 हो गए, 30 हो करते करते, फिर दर्जियों को बेचना। अब दर्जी कहते हैं जी कभी किस इलाके में, कभी किस इलाके में, कभी किस इलाके, वो फिर कहने लगे जी हमें तो पैंट के बटन भी चाहिए, फिर कमीज़ के रंगदार भी चाहिए, कभी कोई सुई धागा भी चाहिए, कभी कोई, इस तरह जो मेरे पास पैसे बढ़ते गए, जैसे जैसे कस्टमर ने कहा मैं वो चीज़ लेता गया। करते करते तो पैंट बटन भी हो गए, टिच बटन भी हो गए, जनानियों के ब्लाउज की हुक भी हो गई, सारा करते करते मेरा ये 3-4 महीने में मेरा 3-4 हज़ार रुपये का माल बन गया।
इतनी कमाई कर ली घर में, उसी तरह बताया नहीं कि मैं नौकरी पर जाता हूँ कि नहीं, मैं गया था उसी तरह, पहले 30 रुपये भेजा था, अब 40-50 रुपये घर भेज रहा था। फिर चाचा जी को मैंने बताया मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, तेरी मर्जी भाई। इस तरीके से फिर हमारे एक चाचा जी जो बड़े ताऊ थे ना, मेरे एक और दादा जी के दूसरे भाई के लड़के, हम उनके भी 5 लड़के थे, तो मियाँ वाली हमारी हवेली एक ही थी, तो उनके 5 लड़के, एक रहते थे अमेरिका, एक रहते थे कश्मीर, एक रहते थे यूपी में फरखाबाद, एक केरला कुछ एलपी कुछ इनके पास, और एक रहते थे बम्बे। तो वहाँ से सब जगह के माल इकट्ठे करके बम्बे भेजने, कारपेट वगैरह का काम था, कश्मीरी कारपेट होती बहुत मशहूर, और कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट से बड़ी आइटमें होती थी, केरला में ये डोरमेट्स बड़े बनते नारियल के, तो उन्होंने एक्सपोर्ट अबोर्ड का उनका बड़ा काम था। अब मेरे चाचा जी को जो जिसने हमारे बताओ के मतलब बहुत जी दादा जी के दूसरे भाई के लड़के, तो उसके भी हम चाह एक ही फैमिली थी, एक ही हवेली थी, तो हम ताऊ जी कहते थे, लगते भी ताऊ से। तो बड़े चाचा जी ने कहा कि अब चाहे हमारे ख़ानदान में ये साइकिल वाला बटन बेचे तो मुझे तो शर्म आती है, अब इसको मैं केरला में इसकी एजेंसी ले देता हूँ, ये कार मेटिंग जूट मेटिंग कारपेट वगैरह की, तो ये हमारे साथ काम करेगा। फिर बहू जी से कब पूछा, तो बहू जी ने कहा तो अच्छी बात है, ये सारा दिन साइकिल चलाना, पैसे तो थे जब मैंने कमाता कि तो मैंने साइकिल भी ली 40 रुपये का, मेरे पैसे भुसावल में बैंक में जमा थे 200-250 रुपये। फिर मैंने एक दिन पूछा भी मेरे पैसे कैसे आए थे किसी दुकानदार से, उनको तुम तो इसकी किसी डाकखाने में अकाउंट खोल लो, एप्लीकेशन लिख देना, वहाँ से पैसे अपने आप ट्रांसफ़र हो गए, वहाँ से पैसे आ गए, मैंने साइकिल ले लिया 40-50 रुपये का। इससे कह रहे मेरे दुकानदारी वो बड़ी बढ़ गई थी, सारा सामान हो गया 3-4-5 हज़ार का सामान हो गया था। फिर चाचा जी ने कहा साइकिल पर बटन बेचना ये हमारी शान के ख़िलाफ़ है, अच्छा नहीं है, इतने बड़े हमारी फैमिली है और कहाँ चैकर साहब कहते हैं, चैकर साहब कहते हैं, तो ये साइकिल पर हमारा भतीजा बटन बेचे, इतना बड़ा हमारा नाम है। फिर मैंने कहा ये हमारा इतने माल कौन बेचेगा, इतनी मेहनत से मैंने इतने पैसे कमाए हैं 6-7 महीने में, तो ये मई का महीना आ गया, जब ये मई का महीना जुलाई से लेकर के ये दूसरा, अब 10 महीने में मैंने इतना पूरी दुकानदारी सेट कर ली। फिर बहू जी को मैंने कहा तुम जरा आप ये सारा काम करो, इसको 2-4 दुकानदार को दे के ख़त्म करो, लेकिन थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब मैं 1 मई 1957 को केरला भेज दिया, वहाँ 2 महीने रहा, सारा काम सीखा, पायदान कैसे बनते, कारपेट कैसे होते, गलीचा कैसे होते, 2 महीने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले करके फिर मैं वापस आया, मेरे नाम के लेटर बना दिए, फिर आर्डर बुक उन्होंने दे दी, उन्होंने कहा इतनी तनख्वाह उस वक्त 125 रुपये तनख्वाह, और फिर आने जाने का रेल का किराया, और 3.5 रुपये रोज़ का DA मिलेगा, तो कम से कम जो है 10-12 हज़ार रुपये महीने के आर्डर होने चाहिए, सस्ता वक्त था। तो फिर अगर इससे ज़्यादा होते जाएगी तो मेरी तनख्वाह बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अब मेरे पास इतना कपड़े भी नहीं थे, अब कितनी वो बात है, ये बूट लेने थे, अब उतनी समझ भी नहीं थी, मैंने बूट वो मिलिट्री वाले बूट पुराने मिलते थे वो मैंने बूट ले लिए, वो बड़े वाले पैंट पहन के, तो मैं वो चले कपड़े 2-3 जोड़े थे। इस तरीके से तो मैं अपनी पोजीशन बना करके तो वहाँ जा कर के काम सीख कर गया, जो फिर वापस आया तो दिल्ली वापस आया, दिल्ली से फिर 1957 हो गया ना, 56 में रिज़ाइन किया था, कर 1957 पहली जुलाई को मैं पहला टूर सैंपल ले करके पठानकोट पर चला गया। पहले मुझे पंजाब घूमना था, राजस्थान घूमना था, दिल्ली, यूपी, वो हरियाणा सो के नहीं था, तो ये 4-5 स्टेट हैं, अब दिल्ली के आसपास जैसे मध्य प्रदेश ग्वालियर है या आसपास में जितना भी। तो पहला ट्रिप पे मैं दिल्ली से चला, रात को सवेरे पहुंच गया पठानकोट धर्मशाला, सब पूछ रहे थे इधर कहाँ रहना है भाई, इतना महंगा भी जगह, 3.5 रुपये तो कुल रोज़ मिलते थे, उसी में रोटी भी खाना है, रक्षा भी करना है, सारा काम भी करना है। फिर धर्मशाला पहुँचा, वहाँ कमरा मिल गया, 4 आने का कमरा मिलता था,
कोई फ्री भी होता था, चार हमें कमरा मिलता था, चाबी लगा के अपना सामान सवेरे में, सवेरे फिर मैं नहा धो के धर्मशाला से बैग लेकर के सैंपलों का आर्डर बुक लेकर के मैं बाज़ार गया। तो पहले दिन ही जब मैं घड़ी वहाँ नहा करके भूल गया ना, खूह था वहाँ, खूह कहते थे ना हर किसी जगह नल भी, तो उस लगाने में बाल्टी भर के ले खूह से तो वहाँ अंदर ना हो, तो मैं घड़ी कुआँ पर भूल गया था। तो फिर मैं बाज़ार गया शाम एकदम दोपहर को जा था, मैं तो घड़ी तो है ही नहीं, सामान वहीं रहने दिया, बाज़ार के अंदर ही धर्मशाला थी। मैं गया तो मैं जो वहाँ का इंतजार था, मैं कभी इस तरह मैं घड़ी भूल गया था, देख लो जहाँ नहाए करे हो या कमरे में देखो, ओ कहीं नहीं मिली। पहला दिन पहले ही नुकसान हो गया। चलो बाज़ार में गया, आर्डर शाडर मिले, रात को मैं वापस आया तो 4-5 हज़ार के आर्डर मिल गए। 4-5 हज़ार तो बहुत कीमत होती थी दो तीन दुकानदारों से। इस तरह फिर मैं अमृतसर आया, दो तीन दिन अमृतसर, बड़ी मंडी है, अमृतसर रहा। अमृतसर के बाद फिर जलंधर आया, जलंधर के बाद लुधियाना आया। इस तरह 10 दिन के टूर में मैं 40-50 हज़ार के आर्डर मिल गए। 10 हज़ार उनकी टारगेट था, मैंने 40-50 हज़ार के आर्डर मिल गए, बड़ा दिल खुश हुआ। तो अगले महीने उन्होंने मेरी 125 के बदले 200 कर दी, और TAD 3.5 के बदले में 6 रुपये कर दिया। अब ये हो गया 58 भी निकल गया, 59 भी निकल गया, और फिर आ गया 60। अब इतने में जब मैं भुसावल से वापस आता था छुट्टी, तो मेरी अब शादी कैसे हुई है, तो हमारे ससुराल वाले यहाँ रेवाड़ी में रहते हैं, तो मेरी सास जो है, मेरी सास और मेरी मदर एक ही पाकिस्तान में एक ही शहर के हैं, और ये भी मदान फैमिली के हैं, वही मदान फैमिली के, तो उनके आपस में चचेरी बहनें भी लगी ना थोड़ा दूर का रिश्ता, तो उन्होंने आपस में बात कर ली कि मैं लड़का और उनकी लड़की से रिश्ता उन्होंने पक्का ही कर दिया। फिर 13 अप्रैल को शादी भी उन्होंने फिट कर दी। फिर हमारी जो रेवाड़ी में मशीनों की दुकान वगैरह थी ना, अब हमें शर्म आती थी कि मिस्त्री बैठे हैं, अब हमारा सर्कल बढ़ गया, हमारे बड़े बड़े दुकानदारों से लिंक हो गया, अब कहाँ जलंधर के, अमृतसर के, श्रीनगर के, सारा इलाके में। फिर मैंने कहा भाऊ जी को ये काम तो हम बदल करना पड़ेगा, अरे इसमें अच्छी कमाई है, मैं कहना कमाई को मार गोली लेकिन इज्जत तो नहीं है ना, यहाँ दिल्ली ये देखो खड़े हो ना, नहीं ये गांधी टोपी वाला, ये नेमचंद है, ये नेमचंद ये गांधी टोपी वाला, ये हाँ ये बिजनेसमैन थे जी। और ये चांदनी चौक पर इनकी दुकान थी, MD जिंदल एंड सर, अभी भी दुकानें हैं दोनों की, अभी भी दुकानें हैं जी। तो इन दोनों से हमारे बड़ी वो थी, प्यार मोहब्बत था, मुझे बड़ा प्यार करते थे। उन्होंने कहा अच्छा तुम रेवाड़ी जो है ना, तुम रे आप, उन्होंने बोला कि अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हारे को वो काम पसंद नहीं है मशीन वगैरह का काम, अब तुम ऐसा करो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तो तुम ये कारपेट की दुकान जो है ना, जैसे चांदनी चौक में हमारी MG दल एंड सन्स की है, तो बाकी नेमचंद की बाँ रस्से वगैरह की इसी चीज सब चीज़ की मिक्स लाइन थी ना, रस्सा नारियल की जटा रोप शोप सारा कुछ। तो मैंने माल भेजना शुरू कर दिया ये जुलाई में, तो बहुत ही हैरान हो गए ये माल आ रहा है क्या करेंगे, इतनी जगह का ये का। मैं कहा आप मशीनों का काम बंद करके ऐसा इसका काम शुरू करेंगे। 15 अगस्त 1947 को हमने रोशनलाल सुनील दत्त नाम से ये दुकान खोल दी, इसे कारपेट के, जो आज भी 1959 इस काम को हमने शुरू कर दिया। अच्छा फर्म का नाम कैसे पड़ा, तो जैसे गुजरात में या महाराष्ट्र में, बहुत देर में महाराष्ट्र में रहा ना, भुसावल महाराष्ट्र में था, तो पहले अपना नाम आता है रोशनलाल, फिर पिताजी का नाम आता है, फिर जात आती है। तो मैंने दुकान का नाम रख दिया लेटर फार्म से अपनी मेरी जितनी समझ थी, तो रोशनलाल सोमदास चक्कर, मैंने लेटर फार्म छुपा लिए, बिल बुक वगैरह भी
छपा ली, 300-400 रुपए की किताबें छप गई। तो ये नेमचंद जी बोलता है ये नाम कैसे रखा है, ये कौन है, ये दूसरा नाम। मैं कह मैं रोशनलाल, पिताजी का नाम है सोमदत्त। उसे मेरे को बड़ा नाराज़ हुआ, कहते हैं बेवकूफ बड़े का नाम पहले आता है दुकान में और छोटे का नाम आखिर बाद में आता है, और बोलने के वक्त रोशनलाल सोमदत्त चेक का ठीक है, लेकिन दुकान का नाम फर्म नाम कोई भी होगा वो पहले छोटे पहले बड़े का नाम फिर छोटे का नाम फिर ज़ात आती है। अब मैंने कहा मेरा तो ये 300-400 रुपये किताबों में लग गई छपाई में, प्रिंटिंग वगैरह की बुक्स छपी, उसको क्या कितना खर्चा, मतलब हर एक पैसे की गंजूसी करते थे ना। मेरा छोटा भाई पैदा हुआ था उसका भी नाम नहीं रखा था, तो फिर मैंने पिताजी माताजी को बोला इसका नाम हम रखेंगे सुनील दत्त। बोले जो अच्छी बात है अच्छा नाम, तो उनको ये वजह नहीं पता थी कि किस लिए। मैंने कहा SOM जो है ना ओ को हम काट करके UNI कर देंगे, सुनील कर देंगे, आप जितने काम छपे हैं उसको हाथ से लिखते रहेंगे बाकी फिर और प्रिंट कराते रहेंगे। और सोम रोशनलाल सोमदास के बदले फिर रोशनलाल सुनील दत्त चेक कर, ये हमारी फर्म का नाम पड़ा है। 300-400 रुपये की किताबें छपाई लेके खर्चा बचाने के लिए ये नाम हमारा पड़ा, मतलब पैसे की कदर कितनी थी, कितनी मुश्किल से आदमी पैसा कमाता था। फिर हमारी दुकान सेट हो गई और सवार रेवाड़ी ज़िले में इससे कोई दुकान नहीं थी, काम चलते। फिर शादी की डेट फिक्स हो गई तो 7 अप्रैल 1960 12 अप्रैल को मेरी शादी हो गई। फिर सारे लोग आए, ये शादी की फ़ोटो, ये सारे आए हुए शादी की फ़ोटो, इस तरीके से हमारी शादी हो गया। एक तो जब आप बंटवारे के बाद यहाँ पे आ गए थे दोबारा परमानेंटली, तब सरकार ने आपकी कुछ सहायता की आपके आपके परिवार? हाँ, तो जैसे हम रेवाड़ी आए थे ना तो मकान कब्जा कर लिया था, फिर आस्था से मेहनत करते रहे, कमाते रहे, खाते रहे। फिर गवर्नमेंट ने सर्वे किया कि दुकानों की कीमत उन्होंने लगाई, मकानों की कीमत लगाई, जो जिसमें उठाया नहीं वो तो जो सरकारी मिनिमम प्राइस थी ना सबको उसी कीमत पर उन्होंने लाड कर दिए और बोले किस्तों में पैसे दे दो। और उस वक्त क्या होता था, वो बांड होते थे, जैसे पाकिस्तान से जिसको ज़मीन अलाट होती थी ना तो उनके बदले में उनको इधर रुपये की ज़मीन उधर मिली, वो बांड खरीद के दे देता आदमी। तो जैसे 5,000 की ज़मीन थी तो 5,000 के बदले वो हमने 2,500 में खरीद लिया, तो हमारी दुकान की कीमत 5,000 थी तो 2,500 में हमने मतलब उसके पैसे देने थे, वो बांड दे दिया तो बराबर हो गया। बांड रुपए की कीमत है, बांडों में उन्होंने कन्वर्ट कर दी ना, तो कई उन्होंने कैश दिए किस्तों में, कोई 20 रुपये महीना, कोई 50 रुपये महीना, कोई 100 रुपये महीना किस्तें उसने भरते रहे, कि उन्होंने बांड कट्ठे लमसम दे दी जिनके पास पैसे थे। इस तरीके से मकान हमने 3,500 की दुकान खरीदी, 2,500 का मकान लिया। फिर उस वक्त तो छोटे टाइम मकान थे, ये सारा काम लिख पढ़ कर मकानों का ये सरकारी काम सारा मैं खुद ही करता था। ये गुड़गांव हेड ऑफिस था, ज़िला गुड़गांव था, उसे रेवाड़ी तहसील थी, तो सारे अपनी मेहनत से मैंने पैसे किस्तें करके भरता रहा मकान दुकान के। और फिर शादी की तैयारी हो गई, शादी भी कर ली, तो 12 अप्रैल 1960 उस वक्त शादी हो गई, तब हम फिर दिल्ली आ गए। फिर हम उसी करोल बाग वाले मानकपुर भाई के साथ में एक कमरा किराए पर ले लिया, फिर 2-4 महीने वहाँ रहे, फिर हम इधर जवाहरनगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने यहाँ आ गए, 40 रुपये महीने पर मकान पर, मलकागंज जवाहरनगर है ना, ये तो कमला नगर वहीं पर। फिर वहाँ हम दोनों आ गए, फिर मेरे दोनों भाई भी मेरे साथ आ गए, एक ही कमरा था, बड़ी मुश्किल गुजारा करते थे। फिर उसके बाद में फिर एक मकान और मिल गया, वो 3 कमरे वाला, वो 3 कमरे वाला मकान मिल गया। उन्हीं का कोई वाकफ कार था तो उन्होंने कहा भाई तुम ये मकान छोटा है एक आदमी 3 आदमी के लिए, तो तुम जो है ना अब ये वो भी जवाहरनगर में था, तो फिर वो मकान बदल लिया, ये 40 उधर 60 आ गया। उधर 2 कमरे थे, 2 कमरे और एक रसोई गुजरखाना सब कुछ अलग था, फिर वहाँ आ गए। फिर इसी तरह करते करते 61 में मेरा लड़की पैदा हो गई, 63 में मेरा लड़का पैदा हो गया, उसके बाद स्टाफ, फिर 2 बच्चे मारे थे लड़की, फिर हमारी
वहीं कमला नगर, ये जो रूपनगर स्कूल है कमला नगर सामने, लड़की लड़के वहीं पढ़ते, पहले लाहौर में एड्रेस स्कूल में पढ़ते थे बंगलोर रोड पर, फिर सरकारी स्कूल में पढ़ गया। इस तरह वहाँ अपनी दसवीं जो हायर सेकेंडरी पास करके फिर करोड़मल कॉलेज में मेरी लड़की दाखिल हो गई, लड़का मेरा नरेला में है जो विवेकानंद स्वामी वेंटिलेशन स्कूल है कॉलेज है उसमें दाखिल हो गया। इस तरीके से हमारे बच्चे पढ़ गए। जब आपने आप बंटवारे के बाद यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपके साथ जो पहले से यहाँ के लोग थे उन्होंने कोई भेदभाव किया या कुछ? हाँ, शुरू में होता था, हमें कहते थे पाकिस्तानी रेफ्यूजी, शरणार्थी, ये शरणार्थी हैं। जब रिवाड़ी बिठा रहे थे तो बड़ा ये भेदभाव था, फिर आहिस्ता ये खत्म हो गया। आहिस्ता पहले बहुत करते थे। तो किस तरह से वो आपको दर्शाता था? वो सोचिए जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, शरणार्थी हैं, शरण ले तो शरण लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो आहिस्ता फिर उनको भी समझ आ गई तो परमानेंट सिटीजन ही है यहीं के, इन्होंने को अभी वापस जाना नहीं, यहीं रहे। आहिस्ता फिर सबसे मिलते जुलते गए तो मेल मिलाप होता गया। ये जब इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्ट किया 1959 में रेवाड़ी में, तो 2000 रुपए के अपनी इन्वेस्टमेंट मैंने लगाई। मेरे पास जो 2000 सेविंग थी बटनों के पैसे जो बचे हुए थे जो सारा माल सेल करके, उन 2000 रुपए से मैंने ये कारोबार शुरू किया। तो पहले हमने रेवाड़ी में दुकान खोली, रोशन लाल सुनील दत्त चेकर, सोमदास से रोशन लाल कर सुनील दत्त कर दिया, तो फुल नाम हो गया रोशन लाल सुनील दत्त चेकर, प्रोप्राइटर रोशन लाल चेकर। फिर कुछ साल, 2 साल के बाद हमने फिर वो रेवाड़ी हेड हाउस करके दिल्ली भी खोल दी, दिल्ली जवाहर नगर में, 120 जवाहर नगर में। तो वही यहाँ वही नाम रोशन लाल सुनील दत्त चेकर, हेड ऑफिस रेवाड़ी, ब्रांच दिल्ली। तो फिर हमारा रेवाड़ी भी काम बढ़ता गया, फिर हमारा ये दिल्ली जो काम था ये भी, जैसे होलसेल का काम आर्डर लेते थे ना, तो उस वक्त कई लोग कहते थे कि अब केरला से माल आने में तो एक महीना लग जाता है, अभी हमें अर्जेंट ज़रूरत है तो आज भेजो तो कल पहुंच जाए, ऐसी जगह कोई इंतज़ाम कर दो। फिर इसी वजह से मैंने दिल्ली भी दुकान खोली, रोशन सुनील दत्त चेकर जवाहर नगर दिल्ली, सेल्स नंबर ले लिया सारा, हेड ऑफिस रेवाड़ी, ब्रांच दिल्ली। उसी 2000 इन्वेस्टमेंट से मेरा काम सारा चल रहा है, लोगों के सपोर्ट से काफ़ी हेल्प कर, मेन हेल्पर हमारे ये नेमचंद मोतीलाल जैन और ये एम बी जिंदल एंड सन्स, और फिर इसी और केरला वाले जो हमारे फर्म के नाम जिससे मैं नौकरी करता है वैकत ब्रदर्स, उन्होंने हमारी बड़ी मदद करी, उन्होंने उस वजह से फिर हमारा खूब काम चलता गया। तो हमारे पंजाब के कस्टमर उनको जल्दी माल भेजना होता दिल्ली से, और वहाँ से जब जो यहाँ से थोड़ा महंगा पड़ता है ना दिल्ली से, वहाँ से सस्ता होता, देर अगर टाइम है तो वहाँ से मंगाते थे। लेकिन मैंने अपनी फैक्ट्री वालों से इजाज़त ले ली कि मैं इसी तरह दिल्ली दुकान खोलना चाहता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं जल्दी माल चाहिए, तो अगर आपकी इजाज़त है तो मैं दिल्ली भी दुकान खोल लूँ। रेवाड़ी तो हमने खोल ही ली, लेकिन दिल्ली उनकी इजाज़त से खोल दी। फिर उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात, अच्छी बात है, उल्टा सेल हमारी बढ़ेगी। इस तरीके से फिर माल हमारा उनसे भी आता गया, दिल्ली लोगों से भी आता रहा, और हमारा काम बढ़ता गया। फिर हमारा शादी का बंदोबस्त हो गया, फिर हमारी 12 अप्रैल को शादी हो गई। शादी धूमधाम से, हमारे सारे सब सप्लायर और बाहर के कश्मीर तक मेरा काम था, बहुत लोग आए थे, कश्मीर से भी आए, केरला से भी आए, महाराष्ट्र से भी आए, मेरे उस वक्त जो कुलीग थे मिसाल में सर्विस करते थे वो लोग भी बहुत सारे। बड़ी धूमधाम से शादी करी कि हमारे ख़ानदान में पहली शादी थी बाऊजी के, मतलब हमारी फैमिली में अच्छी तरह शादी करी। वो शादी जो हम करी वो हमारे जो फादर लाते, वो मेरी सास, मेरी मदर, ये दोनों रिश्तेदार थे, तो उन्होंने पहले अप्रूव कर रखा था कि हमने सेटल कर दी शादी, तो इन्हीं दोनों की होगी। इसी तरह फिर मेरे छोटे भाई की शादी उसकी छोटी बहन से हो गई 1963 में के 64 में। फिर इसी तरह किससे 67-68 में छोटे तीसरे भाई की हो गई, फिर एक भाई हमारा गुजर गया, फिर इसी तरीके से 72 में एक चौथे भाई की शादी हो गई, फिर 78-79 में पाँचवें की हो गई, फिर छठे भाई की शादी, वो इसी तरह हर 3-4 साल बाद शादी हो गई। हमारी एक बहन थी उसकी शादी भी फिर हमने बड़ी धूमधाम से, एक ही बहन थी हमारी, 5 बहन 6 बहनों की, उसकी शादी भी धूमधाम से करी।
लेकिन बहुत जिम्मेवारी मेरे सिर पर थी बड़ा होने की वजह से। तो इस तरह हमारा ख़ानदान फिर भगवान की कृपा से बहुत वेल सेटअप हो गया और सेल्फ सफिशिएंट है। सारे अपने अपने मकान बना लिए है। सबसे आखिर में माँ ने मकान बनाया था, सब जबकि सबके बनने के बाद, ताकि कोई ऐसा ना कहे कि भाई बड़े ने तो बना लिया छोटे ने कुछ नहीं, छोटे के नहीं है, पहले छोटे के बन गए तब बाद में मैंने बनाया। फिर हमें जमने भर कोठी बहुत बड़ी बनाई, 300 गज की कोठी थी, 3 मंजिला मेन रोड पर। उसके बाद 20 साल वहाँ रहे, फिर यहाँ आ गए। फिर 1961 में मैंने लड़की की शादी करी बेला की, वो हमने जवाहरनगर रहते रहते करी थी। फिर मेरे लड़के की सगाई भी जवाहरनगर में ही हुई, वहाँ उसकी सगाई हुई 88 में। फिर उसकी शादी, जिस दिन सगाई हुई थी, सगाई बात पक्की होने के बाद में, फिर हमें जब तक मेरी कोठी तैयार हो गई थी जमुना विहार में, फिर हम 26 अक्टूबर 86 में वहाँ शिफ्ट कर गए। फिर वहाँ सगाई के फंक्शन बहुत धूमधाम से किया और 88 में शादी करी। इस तरीके से हमने हमारी ज़िंदगी सेटल हो गई। उसके बाद में फिर हमें 2006 में यहाँ शिफ्ट होके आ गए शक्तिनगर। तब से आप यहाँ पे? तब से। फिर हमें लड़के के लिए मकान ले लिया सिविल लाइन्स में, लड़की भी सिविल लाइन्स में थी जमुना रोड पर, लड़का महाराजा लाल में, तो वो उधर रह रहे हम उधर रह रहे, तो 3 घर हो गए अभी। तो लड़की के 2 लड़कियाँ हैं, वो वेल सेटअप है, उनकी शादी हो गई। लड़के का 2 लड़के हैं, बड़े की शादी हो गई, वो गुड़गांव में रहता है, उसके ससुराल लड़की के पेरेंट्स वहाँ, बहू के पेरेंट्स वहाँ गुड़गांव में हैं, वो SBI में बैंक मैनेजर रिटायर हुए उसमें है। तो छोटा एक पोता हमारे, उसकी शादी बाकी करनी है। ये हमारा सिंपल ख़ानदान है। मेहनत बहुत करी है पार्टीशन के टाइम पर, बहुत मेहनत करी है, बटन बेचे हैं, कितनी क्या क्या तकलीफ़ें देखी हैं। सुबह रोज़ रात को दिल्ली आना, शाम को फिर वहाँ रात को वापस जाना, सवेरे फिर स्कूल जाना, पढ़ाई करना, जैसे जैसे डिमांड निकलती थी सामान की उसी तरह रोज़ सामान लेकर आना। ऐसा करते करते हमारा सामान काम बढ़ गया, तो भगवान की कृपा है चल रहा है। उसके बाद भी फिर मैंने फतेहपुरी दुकान ले ली 1961 में। उसके बाद फिर 75-74 में हमने 1974 में वली मरे ले ली। उसके बाद भी फिर हमने ये शक्तिनगर भी ले ली। अब आज़ाद मार्ग की 2 दुकानें बली बारा की दे दिए। अब यहाँ 2 दुकानें आज़ाद मार्केट में, 1 दुकान यहाँ है घर के पास शक्तिनगर। मैं यहाँ बैठता हूँ, लड़के और एक होता है वो आज़ाद मार्केट बैठते, नाम हुई रोशन लाल सुनीता चेकर, फर्म चल रही है आज उसके। हाँ बली बारा मिर्ज़ा गालिब की हवेली वाली बिल्डिंग में, उसमें थे मेरे 50 साल वहाँ उसमें दुकान रहे, 45 साल। ये हमारी ब्रीफ हिस्ट्री है। बहुत मेहनत करी है, दिन रात करी है, सफ़र किया खूब, रात को ट्रैवल करना, सवेरे पहुंच जाना, सारा दिन शहर में काम करना, फिर रात को अगले स्टेशन के लिए फिर तैयारी करना, मतलब जितना खर्चा भी बच जाए और टाइम भी बचत आ जाए। ये नहीं कि एक एक दिन में एक एक शहर में दो दो दिन एक एक दिन रहना, वो नहीं। जितना एक कभी एक शहर दो शहर एक दिन में भी काम करता था, 2 घंटे काम किया फिर आगे गाड़ी चेंज करके फिर आगे बदलो, इस तरीके से फिर और 2 घंटे काम कर, रात को गाड़ी बैठ फिर लंबा रास्ता चल गए कि टाइम की बचत की जाए। हाँ जी बोलना है। हाँ अभी मैं भगवान की कृपा है, सारा कुछ है, बस छोटे पोते की शादी करनी है, फिर हम गंगा नहा बैठे। मेरी देवतियों की दोनों की शादी हो गई, एक पौधे की शादी होगी, एक पौधा की करनी है, उसके बाद फ्री गंगा धाल है। सर आपके घर में ज़बानें कौन सी बोली जाती थी? हमारे मियाँ वाली की ज़बान है सरायकी, उसको कहते हैं सरायकी बोली। हमारी पंजाबी में कई लैंग्वेज है ना, पंजाबी बिल्कुल मिलती जुलती है, लेकिन कोई कोई लफ्ज़ ऐसे अलग अलग है, जैसे मुल्तान की बोली अलग है, लाहौर की बोली अलग है, अमृतसर की बोली अलग है, लेकिन है सारी पंजाबी। एक पंजाबी थोड़ा सा वर्ड स्पीकिंग वर्ड्स में थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है, तो हमारी बोली को सरायकी कहते हैं। मियाँ वाली ज़िलों के 5-7 ज़िले ऐसे हैं जिसमें वो सरायकी बोली जाती है, बाकी कई जगह पंजाबी
जो ठेठ पंजाबी है वो जलंधर, अमृतसर, लुधियाना, लाहौर, गुजरांवाला इनकी एक बोली है, फैसलाबाद, सरगोधा इनकी बोली अलग है, खुशाब के अलग है, मुल्तान के अलग है, मतलब पंजाब बहुत बड़ा है ना, तो पंजाब में भी कई जबाने हैं लेकिन पंजाबी से मिलती जुलती है कई हैं, बेसिक पंजाबी कहते हैं। घर पे आप सराय की बोलते हैं? घर में सराय, लेकिन बच्चे जो है वो अब आजकल हिंदी बोलने लग गए, समझते सारी हैं, हम उनसे अपनी भाषा में बात करते हैं, वो फिर कभी बोल लेते हैं अपनी भाषा, नहीं तो हिंदी में जवाब देते हैं। स्कूल में आपको क्या सिखाते, स्कूल में किस जबान में आपने पहले पढ़ना सीखा? स्कूल में तो मियांवाली में तो अपनी अपनी भाषा में सीखते थे ना, सरायकी में। सरायकी में जैसे पहाड़े होते हैं, दो एक दो डू डे चार चार त्राए डे छः चार डे अठ पाँच डे डा छी डे बारह, ये अपनी वो सराय की भाषा में। पंजाबी में दो दड़ी चार 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 दड़ी आठ, वो पंजाबी हो गई। उर्दू पंजाबी हिंदी मिलती जुलती है लेकिन हमारी सराकी में फ़र्क है। और लिखते आप किस? हम उर्दू राइट से लिखा जाता है जी। उर्दू राइट से लिखा जाता है, हिंदी इंग्लिश लेफ्ट से लिखी चल जाती है। जरा सवाल जाता आपने पूछे नहीं जी जी जी। और अभी मैं आपसे बिजनेस की सारी जो अकाउंट्स होते हैं वो सब मैं उर्दू में लिखता था। अच्छा। सेल्स का हिसाब, इनकम का सारा उर्दू में लिखता था। ये कब की बात है? ये 59 से लेकर के और 66 तक। तो ये सब आप उर्दू में करते? मैं उर्दू में करता था। फिर जब हमारी दिल्ली ब्रांच खोली ना, तो फिर हमारे चांदनी चौक जो दुकान थी ना एम डी जनरल, उस पर एक वकील आता था, वो कहता था कि तुम अब तुम्हारा रेवाड़ी भी दुकान है, दिल्ली भी दुकान है, तो इनकम टैक्स में कभी पकड़े जाओगे, इसीलिए तुम अपने आप ही रिटर्न फाइल कर दो। अब मैंने कहा हमारी तो सी एल तो है ही कुछ नहीं, तो वरना प्रॉफिट 1.5-2 हज़ार का कुल प्रॉफिट आता है। कहते अभी ग्राउंड बन जाएगी ना, बाद में तुम्हें तकलीफ नहीं। फिर शुरू से पूछेंगे कहाँ से पैसे आए, क्या किया, इतना काम कर। फिर जब 1959 से लेकर 66 तक सारी रिटर्न इकट्ठी उसने भरा दी इनकम टैक्स की। सेल टैक्स तो लगते थे उधार, उसका अलग हिसाब है। इनकम साल जब रिटर्न फाइल करके पहुंची तो इनका जो गुड़गांव ऑफिस था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सेल डेस्क इनकम डेस्क का रेवाड़ी का, उस रेवाड़ी ज़िला नहीं था, तहसील थी। उन्होंने फिर मुझे बुलाया, बोले उन्होंने असेसमेंट करके 3-4 हज़ार टैक्स लगा दिया। मैं तो घबरा गया, मैं कहा सर मैं तो 2000 से तो काम शुरू किया है, तो मेरी इतनी प्रॉफिट का 1.5-2 हज़ार तो कुल प्रॉफिट आता है मेरा, 4 साल का तो आपने इतनी इनकम नहीं करी 5 साल में, और आपने इतना मेरा टैक्स लगा दिया, और खाएंगे क्या करेंगे अगर मैं दे तो, मैं तो ख़त्म ही हो जाऊँगा। उन्होंने कहा तुम्हारे फिर इनकम हेड ऑफिस तुम्हारा रेवाड़ी और ब्रांच दिल्ली, लोग ब्रांच बड़े शहरों में हेड ऑफिस होता है, ब्रांच छोटे शहर में, तुम्हारा हेड ऑफिस छोटे शहर में ब्रांच, इसके मतलब तुम्हारा काम है। होता तो सर हम ऐसे ही करते, वो 2000 मैंने जो इन्वेस्टमेंट से काम शुरू किया था, जो मेरी सेविंग थी उसी से मैंने काम किया। फिर उसने कहा अपील कर दो, अपील में माफ़ हो जाए। तो रोहतक कमिश्नर का दफ्तर रोहतक होता था, फिर रोहतक मैंने अपील खुद करी, मैं खुद हाजिर हुआ, उन्होंने सारा जितना टैक्स भरा था वो भी रिफंड कर दिया और सारे जुर्माने ही माफ़ कर दिए। तो सारी तरीके भी मैं खुद भुगता था, इतना मैं काम सीख गया उर्दू में। फिर 66 के बाद मैंने काम लिखना पढ़ना छोड़ दिया, फिर काम बढ़ता गया, फिर वकील कर लिया, अकाउंटेंट रख लिया। तो आप बता रहे थे आप उर्दू में वही खाते सारा खुद लिख पा रहे, सारा सेल टैक्स इनकम सारा मैं खुद लिखता था। और आपने हिंदी कब सीखी? फिर हिंदी तो ये 7वीं में जब रेवाड़ी में स्कूल में दाखिल हुए थे ना, तब भी शुरू से सिखाया था। फारसी भी सीखी थी थोड़ी बहुत। ये कहाँ की बात है? ये रेवाड़ी की बात है, रेवाड़ी में ही फारसी। रेवाड़ी फारसी उर्दू तो वहाँ भी सिखाते थे ना, तो यहाँ हिंदी के साथ सब्जेक्ट वो भी था। अच्छा, फारसी उर्दू। तो सर अब आपके पाकिस्तान के दौरों पे हम आते हैं। हाँ भाई, हम अक्सर लोगों से पूछते हैं कि क्या वो बंटवारे के बाद अपने गांव अपने जगह वापस जा पाए, लेकिन आप तो हमने सुना है बहुत बार वापस गए हैं। 18 बार। तो आप इसके बारे में बताइए हमें। सबसे पहले मैं 1992 में 92, 94, 96, 99, 2000, 2003, 2004, फिर 6, फिर 8, फिर
2008 के बाद फिर 11, 10, 11, 13, 14 फिर 15 फिर 18 2018 लास्ट हो गया। इनके कुछ बारे में बताइए, इन दोनों के बारे में। मैं मुझे हमारे मामा जी थे मनोज शाह आहूजा, दरियागंज रहते थे, वो पार्टीशन के बाद रेगुलर जाते थे मियाँ वाली। तो फिर उन्होंने मेरे को 1992 में कहा कि हमारे मामा लगते थे उन पर चलते रहे, वो पहले अपने बच्चों को सब घुमा लाए थे, तो मेरे को भी बोले तुम भी चल। कैसे शौक पैदा, उनके घर मेहमान आते जाते थे ना, तो एक दिन रोज खाना खा रहे थे, कोई मियाँ वाली वाले आए थे, तो मैं भाई चांस मेरे मामा के घर था, मेरी इसकी बड़ी बहन उनका लड़के के साथ शादी भी हुई थी, तो उसके मतलब संबंधी भी हो गए, इसके भनोई भी का भनोई का घर भी हो गया, तो आना जाना लगा रहता था। तो वो फिर मैं जब गया तो वो लोग खाना खा रहे थे, तो अपने सलवार कमीज पहरे हुए थे, तो बात अपनी भाषा में क्या जो हमारी सराय की भाषा है, तो मैं सुन रहा था बड़ी दिलचस्पी से। उन्होंने कहा ये बलदेव का सांडू है, सांडू मतलब ये हमजुल्फ है, तो बड़ी खुशी है। फिर खाना खाया, मैंने कहा शाम को आना मेरी दुकान बिल्ली मारा में है मिर्जा गालिब अली के साथ। वो शाम को आए बैठे सर हाल चल रहे, मैं कहा चल खाना रात को हमारे घर खाना कल। मामा जी से पूछ रही, मैं कल रात को अभी आना ये रोटी उधर खा, ये 1990 की बात है, फिर बोले आ जाएंगे। फिर रात को रोटी खाई, तो दो तीन दिन उनके 6 दिन का वीज़ा होता है, वो दिल्ली उर्स पे आए थे नज़ामुद्दीन के उर्स पे, ये 1990 की बात है। तो फिर वो हमारा घर है, हम जमुना विहार रहते थे, मेरी बड़ी बड़ी भारी कोठी थी, बहुत 3 मंजिली कोठी मेन रोड पर, आज कल उसमें ICICI बैंक है जिसको हमने बेची, उसने उसको 3-4 लाख किराया मिल रहा है। किस्मत की बात है हमारे लायक उस वक्त सीलिंग हो रही थी। फिर जी वो रात को खाना खाने आए, फिर 2-3 दिन बाद उनको एतवार वापस जाना था, फिर अगले उन्होंने मेरा ड्रेस वगैरह ले गए। तो ये थी अक्टूबर की बात है 90 से, फिर अप्रैल में उनका दूसरा ग्रुप आना था। नज़ामुद्दीन के 2 उर्स होते हैं, एक मीर खुसरी को होता है, एक नज़ामुद्दीन औलिया को होता है, तो उस उर्स पर वो 6-10-12 आदमी और आए, जिसमें पहले लड़के आए थे ना उसके किसी बाप किसका चाचा वो सारे मियाँ वाली से थे। फिर उन्होंने मुझे इतना करी कि भाई वो आ रहे हैं तो उनकी देखभाल करना, घुमाना फिराना, ठीक है। मैं उनको लेने चला गया, लिया उनको वहाँ अशोक यात्री निवास है ना वहाँ गुरुद्वारा ये मंगला साहब के पास, वहाँ उनका सरकारी तौर पर इंतज़ाम होता था रहने का, तो वो अशोक यात्री निवास था उस वक़्त, उस उधर रहते थे। फिर वहाँ से मैं उनसे मिला जब गवर्नमेंट हॉल में, किसी इधर मैं अपने घर ले जाऊँ, हमारे शहर क्या है मैं ले जाऊँ, शाम को पहुँचा देना। मैं खाना खिला के शाम को पहुँचा देंगे, वो शाम का छोड़ा है। इसी 6-7 दिन रहे, वो मंगल को आए तो एतवार को वापस जाते हैं। फिर इसी तरह ये हो गया 91-92 में फिर शादी थी वहाँ दिल्ली में लाहौर में, पार्लियामेंट के मेंबर है सेनेटर उधर कहते हैं राज्यसभा के मेंबर को, तो उसके देवती की शादी थी। तो चाचा मामा ने कहा था तुम भी पासपोर्ट हो, मैं पासपोर्ट भी नहीं था बनवाया। फिर हम 28 दिसंबर 1992 को गए, रात को शादी थी, हम वक्त 6 बजे पहुंच गए। तो पहला ट्रिप मेरा वो था, फिर हम यहाँ वहाँ लाहौर 2-4 दिन है शादी में, रात को बरात थी, फिर सवेरे हमने लाहौर 2-3 दिन सारा घुमा फिरा। पहली तारीख को जनवरी को रेवाड़ी उदमिया वाले चले गए, जैसे उनकी कार थी बुलेट प्रूफ कार थी उनकी, सेनेटर साहब की कार में बैठ गया, झंडा उनका लगा हुआ अपना। जैसे मियाँ वाली ज़िले की हद में पहुँचे, बॉर्डर आ गया मियाँ वाली ज़िले का, तो हमने उतर के धरती को सलाम किया। आखिर अपनी मातृ वतन याद तो आती है ना। फिर रात को हम पहुँचे 8-9 बजे मियाँ वाली, फिर सारे शहर ही वाकफ करते मेरे मामा के,
होटल में थे, होटल को किराए थे, वो पहले दो दफ़ा हमारे घर आ चुके थे, अप्रैल में भी और बाद में 90 में भी 91 में भी, फिर वहीं हम हफ्ता 10 दिन वहाँ रहे। फिर सारे मियाँ से लेके बड़े बड़े गांव शहर, हमारे मेरे नानकों का घर, मेरे ससुराल का घर, सारे बहुत बड़े ज़िले मियाँ वाली का सब इलाके घूमे फिरे, सबको मैं फोटो शोटो ले करके सबको, मतलब कोई जगह नहीं छोड़ी मियाँ जिले के, जो कस्बा हो, बड़ा शहर हो, छोटा, सारे ज़िले के सब इलाके थे, क्योंकि वीज़ा मियाँ वाली का था। फिर लाहौर का भी वीज़ा था, इस्लामाबाद का ही वीज़ा था, 3 शहरों का। हम लाहौर भी गए, घूमे फिरे, हो गए मियाँ वाली पहुँचे, रात होटल में टहे, सवेरे होटल वाले ने बोला, वो मुझे चाचा कहते थे, लाला कहते, अपने घर ढूंढ लोगे? मैं कहा बिल्कुल ढूंढ लूँगा। उस वक्त 45 साल के बाद, 47 से लेकर के यहाँ 45 साल हो चुके ना, 45 साल के बाद मैं मतलब पहली बारी अपने घर, लेकिन रास्ता सब याद था, अगर तुम गाड़ी में आगे बैठो हमें रास्ता बताओ ना। मैंने कहा ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, सीधा घर के पास गाड़ी खड़ी करी। बोले बड़ी याद हारते हुए, मैंने कहा 13 साल गुजारे हैं, तो जहाँ आदमी रेंगा हुआ बच्चा रेंगता पैरों पर, हाथों के बल, तो वो जगह ज़मीन चाटते वो जगह नहीं कभी भूल सकते। और फिर यहीं पढ़े लिखा 7वीं तक यहीं पढ़ा लिखा, इधर ये गली में स्कूल, फिर 4थी तक प्राइमरी स्कूल, फिर इधर ज़्यादा खैर मोहल्ले में गलोर मिडिल स्कूल था, वहाँ सब पढ़ा, सब मास्टरों का नाम याद, मेरे जमातियों का नाम याद, मेरे उस्तादों का नाम याद, सब कुछ जगह। बल कमाल है, सीधा घर पहुँचा। मैं कहिए ये पूरा हमारी हवेली है, ये हमारे दादाजी के छोटे भाई के घर की हवेली है, ये हमारी हवेली है, वो भी हमारे 5 चाचा थे, इधर भी हमारे 5 चाचा थे सारा। यहाँ कुआं था, वो कुआं उन्होंने बंद कर दिया था, एंट्रेंस में खुई थी, खुई कहते हैं हम पानी के निकाल। फिर 8-10 दिन मैं रह मियाँ वाली, हमारे अपने नान के मतलब मामे के नाने के घर गए, वो 20-23 मील दूर है गाँव में, वो इलाका गए, काला बाग देखा, मतलब हर एक बड़ा शहर, ईसा ख्याल देखा, इस जो अताला खाना है उसका इलाका। तो ईसा ख्याल में हमारे ससुराल का इलाका वही था, जो ईसा ख्याल शहर से 2 किलोमीटर पहले एक गांव है कलूर शरीफ। तो कलूर में मेरे ससुराल की 1.25 लाख कनाल ज़मीन थी, यानी 7.5 लाख गज, उसके अंदर 5 गांव भी आते थे। तो हम उन्होंने बोला चलोगे देखने जाओगे? मगर ज़रूर दिल करता, दिल ससुराल की ज़मीन तो आए देखेंगे ज़रूर। हाँ तो उधर जब गए ना, तो वहाँ गांव वालों को पूछ, उन्होंने मेरे मामा जी हसन मखौल बहुत बुजुर्ग आदमी है ना, उससे सारा शहर बड़ा रौबदार, बड़ा पुराना वहाँ का लीडर था। तो बोले ये तो आ गए तुम्हारे ज़मीन के मालिक, घरों के मालिक, अब तो तुम्हें खाली करना पड़ेगा, ये आज कचहरी में सब कुछ देखा है, कल तुम्हें खाली करने का आ जाएगा नोटिस। वो तो अंदर नहीं जाने दे रहे, हम लोकल आदमी के साथ है, प्रोफेसर भी थे और भी, वो बोले मैं तो अंदर नहीं जाने देता। हम उन्होंने कहा नहीं भाई, ये फिर उन्होंने समझाया, ये तो आए हैं अपने ससुराल की ज़मीन के, अकी इनको 7.25 लाख का ज़मीन थी, 1.25 लाख कनाल, ये तो राय साहब का खिताब था इनके, मेरी वाइफ के दादा को। तो इनके जब कोई कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट की होती थी, 7-8वीं कुर्सी इनकी होती थी, गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, और डिप्टी कमिश्नर है, कोई एक कुर्सी इनके राय साहब की लगती थी, इतने बड़े आदमी हैं। फिर उन्होंने अंदर जाने दिया, घुमाया दिखाया, फिर थोड़ा सा वहाँ के अपनी ज़मीनों के सामान दे दिया, चने गेहूँ जो गांव वालों के पास होता है, इतने खुश हुए। हम भी बड़े फ़ोटो शोटो ले करके आया अपने, फिर आके ससुराल दिखाई, बड़े खुश हो गए। कुछ साल के बाद फिर ये भी 96 में ये गई वाइफ मेरी, इसको भी घर दिखाया, इसको तो रोना खूब आ गया, इनको तो वहीं पैदा हुई थी। फिर पता लगा कि अतौले का घर जो है ना 2 किलोमीटर पर है, अब उसकी 40 कनाल ज़मीन है, 40 कनाल ज़मीन होगी समझो 24,000 गज, उसमें इतना बड़ा बंगला बनाया, बगीचा बनाया हुआ है, बीच में ऊँचाई बना, पहाड़ी बना करके अपना बंगला बनाया हुआ है। वहाँ हम गए, फिर एक दिन वहाँ ईसा ख्याल में शादी, ईसा ख्याल से 2 किलोमीटर इधर,
बीच में उसका फिर 2 किलोमीटर हमारा ससुराल का घर राय साहब का गिरदारी राज सचदेव नाम थे। फिर उधर उनको रात को शादी में ले गया मेरे को, अके जी उनका दामाद है, वो बड़े खुश हो गए, सबका हाल पूछा, भाई तेरे ससुर साहब का ये नाम था, तेरे उनके बड़े भाई का ये नाम था, इनका बड़ा भाई था ना, अब वो जब इनका दादा गुजर गया तो उसको राय साहब कहते थे, बाकी फिर तीसरे नंबर मेरे ससुर थे, फिर उनको भी राय साहब कहते थे सारे, सबके हाल पूछते थे। मैंने कहा सब ठीक ठाक है, खुद तुम खुशकिस्मत हो अपनी ससुराल की ज़मीन देख रहे हो, यहीं रह जाओ। मैं कहता आप लोग रहने नहीं दोगे, कल को बोलोगे आप भागो यहाँ से, रहने नहीं दोगे। तो इस तरह फिर मैं 18 बारी गया, बड़ा दिल खुश, जब जाते कितने कितने आदमी की दावतें होती, रात को गाने बजाने गजाने का प्रोग्राम होता, मौसीकी कहते हैं कवालियाँ होना कभी, वहाँ मियाँ वाले गाने बजाने का बड़ा शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है, कोई गली मोहल्ला नहीं जहाँ बजाने वाले गाने वाले ना हों। फिर मियाँ फिर अगले साल हम मरवी से बना, पहले 3 शहर का था लाहौर मियाँ वाली इस्लामाबाद, फिर उसके बाद कराची हो गया, क्वेटा हो गया, पेशावर हो गया, फिर अगली मतलब हर शहर हर साल अगले नए नए शहर होते रहे, हर दफ़ा सब जगह घूम के आए, कोई जगह पेशावर भी घूमा, कराची घूमा, सारे इलाके, हमारी वाइफ भी 2 दफ़ा ये कराची भी 1 दफ़ा रह आई है, पेशावर भी 2 दफ़ा गई है, हमारे कई वहाँ मंदिर है, इलाका बलोड शरीफ है, केवल राम का थल हमारा उसका वहाँ मानते हैं, समाधि बने उधर भी गए, ननकाना साहब पंजा साहब गुरुद्वारे सब जाते हैं, कोई परेशानी नहीं, हमारी तो गाड़ी अंदर तक मंदिर में चली जाती है, गुरुद्वारे के अंदर चली जाती है, हमारे वाकफकार हैं, बड़े बड़े लीडर अफसर साथ होते हैं तो उनके लिए कोई रुकावट नहीं है, वीज़ा होता है कोई वीज़े के बगैर कहीं नहीं जाना, वीज़ा है होना चाहिए, रस्ते में कोई शहर है तो रस्ते में अब जैसे दिल्ली से अमृतसर जा रहे हैं, दरअसल जलंधर भी आता है तो क्रॉस करके जाना ही है ना, वहाँ मिल लिए तो कोई थोड़ी गंद बात है, अंबाला आ गया, लुधियाना आ गया, रास्ते में तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ जिस शहर में पहुँचते हैं उसे फिर एंट्री करानी पड़ती है, अराइवल भी डिपार्चर भी, पहले हमारा वीज़ा ये एंट्री वाला होता था, फिर हमारा एग्जामिशन वाला होने लग गया वीज़ा, एंट्री नहीं करानी पड़ती थी, एग्जामिशन वाला बड़ा किसी किसी को देते ना, फिर मल्टीपल भी लग गया हमारा वीज़ा, कोई परेशानी नहीं। अब जो इनवाइट करने वाले स्पॉन्सर जी बड़े बड़े लोग होते हैं, अब मेरे पहली बारी मेरे को जमाती 1 मिला, 94 मिल गए, 2 मिल गए, और 96 में तो फिर 4-5 मिल गए, वो अभी सारे जिंदा थे, उसके बाद फिर वो ऐसा ऐसा वो जाने लगे। अब एक जमाती अभी गुजरे कोई 4-5 महीने पहले, क्लास फैलो लास्ट वाला, अब कोई जमाती नहीं है, सारे गुजर गए, बहुत इज्जत करते, बहुत इतने तोहफे देते लेते हैं, जब हम जाते हैं तो मैं जिस जगह रहते हैं हम अपने घर में, हमारे पैदाइशी घर, हमारा कमरा रिजर्व है, जब भी जाते हैं हमारा कमरा खोल देते हैं, बाथरूम अटैच है, तौलिया बिस्तर शिस्तर हमारे सब डाइनिंग टेबल उसी में लगे, मेरे मिलने वाले आते हैं रात के 12-12, 2-2, 1-1 बजे तक रौनक लगी रहती है, सबको चाय पानी पिलाना, सवेरे नाश्ता करना, फिर दिन में रोटी कभी आपके घर कभी इधर दावत कभी इधर दावत, रात को फिर रोटी खा के वापस आना, दिन में घूमना फिरना, रात को खा पी के वापस आना, नाश्ता सवेरे वहीं करना, फिर रात को यहाँ रौनक लगती थी, मजलिस लगती, और फिर पुराने बाप दादा की कहानियाँ सुनना, ससुराल की कहानियाँ सुनना, सुबह अपने माम नानके खानदान, नानके मतलब मामे खानदान, इसी तरह करते कि इतना प्यार बढ़ता जा रहा, कभी लड़ाई नहीं, कभी झगड़ा नहीं, कभी गुस्सा नहीं, कभी कोई चीज़ की मतलब कोई फ़र्क था ही नहीं, न अब था न पहले था न अब है, इस तरह प्यार होता है। हमारे यहाँ शादी में सब आते जाते, मेरे बेटी देवती की शादी में कितने 10-12 लोग आए, मेरे दूसरे देवती की शादी में भी कितने लोग आए, वीज़ा पर यहाँ से अप्लाई करा देते हैं और वहाँ अटैच करा के भेज देते हैं, आते हैं कितने दिन यहाँ ठहरते हैं, कई तो लोगों को मैंने जो बिछड़े हुए लोगों उस वे लिखे बिछड़ों का यार रोशनलाल, कई लोगों को मैंने आपस में मिलाया, कई उधर कहते हैं कि हमारा वो फलां रिश्तेदार कफकार था रामलाल नाम करके, वो पहले सुना था कि फलां शहर गए,
अब पता नहीं अब किधर है उनकी, कोई ना कोई औलाद होगी। इस तरह कई लोगों को मिला दिया मैंने। यहाँ लोग बोलते थे मेरा कोई मिलने वाला है उस गांव का है तो उनको मिलना, उनको मिलना, कहीं के तोहफे लेके गया, लेकर आया। बड़ा यहाँ जाते 20-25 आदमी की रोज़ रात दावत होती है, आज आपके घर, कल उसके घर, परसों के। जो बीमार होते हैं, कई लोग दिल्ली में इलाज करने आते हैं, बंगलौर आते हैं, मैं सबके साथ हेल्प करता हूँ। वो तो कहते हैं हमारा तो लाला जो है रोशन लाल जी हमारा दिल्ली में हमारा बॉस है, ये तो हमारे किस्म का मलिक एम्बेसडर है। कोई काम होता है तो लाला ही हमारे काम आता है बीमारी के, कहते जब भी हम उर्सों पर जाते हैं तो हमारी देखभाल करता है, मेल मिलाप कराता है, अपने मियाँ बरादरी को मिलाता है, करता है। वहाँ शादियों में हमारा जाना जब से वो आते हैं मैं भी जाता हूँ शादी में, बल्कि मेरा कार्ड में नाम देते हैं, हम भी कई दफ़ा शादी में उनके नाम दिए मेरे दोस्तों के, क्लास वालों के। अब ये कि कल हमारे एक दोस्त की, हमारे क्लास वालों की बीवी मर गई है, कल मरी है 20, आज क्या पहली, आज पहली ना 31 अक्टूबर 2021 को गुजरी है। मेरे क्लास वाले तो उसका छोटा भाई ये वकील है, वो बड़े डॉक्टर थे हमारे, तो बहुत रौनक होती है, बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। वो मुझे लाला चाचा भजी धोला कहते हैं, वाइफ को हमारी मासी कहते हैं, चाची कहते हैं, बड़े भी चाची कहते हैं, मासी छोटे भी चाची मासी, मुझे लाला चाचा, लाला चाचा। जब मैं जाता हूँ ना ये छोटी इलायची लेके जाता हूँ फर्क वाली, जैसे आगे बढ़ देता हूँ तो मैं बहुत सारी सबको एक एक दो दो देना, कुलियों को, अफसरों को, उससे बड़े खुश होते हैं, लाला आ गया, लाला आ गया, नंबर एक लाची, नंबर एक हाथ फैला देते हैं सबको, दो दो लाची खुश हो जाते हैं। 2 किलो लाची लेके जाता हूँ सबको खिलाता पिलाता हूँ, आखिरी में जो बस जो थोड़ा रह जाता है वो जिसके घर में रात रहा वही वापस उसको दे करके आ गया, ये बाड़ में सबको बांट दे, बड़े खुश। इधर में सर वालों को देता है, उधर उधर को देता है, इस तरीके से बड़ी प्यार करते हैं। कोई लोगों में तो कोई किसी बात का भी झगड़े वाली कोई बात ही नहीं है, प्यार मोहम्मद बहुत प्यार करते। वो कहते हैं हाय कारोबार होता है खुला होता है, ये चीज़ें हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो कारोबार होता तो प्यार, दोनों का कारोबार चलता है ना, ट्रेड दोनों का बढ़ता। अगर लोग आए, हम लोग आते हैं उनके पास तो कितना खर्चा करके आते हैं, वो आते हैं यहाँ कितना खर्चा करके जाते हैं, गवर्नमेंट को किराया मिलता है, सामान हम खरीदते हैं या वो खरीदते हैं, सबकी सेल होती है, सबको प्रॉफिट मिलता है, आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ता है, एक दूसरे का दुख सुख का पता लगता है, चाल चलन का पता लगता, खान पीन का पता चलता है, पुरानी रिश्तेदारी आपका हिंदू मुसलमान उस वक्त सब चलते थे, शादियों में आना जाना उस वक्त कई, हमारे खासकर हमारा मियाँ शहर ऑर्थोडॉक्स बड़ा, तो कच्चा पक्का राशन देते थे, चलो हिंदू के घर शादी है तो मुसलमान में कच्चा राशन दे दिया, घी दे दिया, चीनी दे दी, बकरा दे दिया, सब्जियां दे दी, मुसलमानों की शादी तो इधर हिंदुओं ने बना करके, हिंदुओं का सब ने बना वो खा लेते थे, हिंदू मुसलमानों को उधर नहीं खाते थे पहले। अच्छा, क्योंकि हिंदू मुसलमान का बना नहीं खाते थे तो पहले, हाँ कुछ कच्चा सामान कच्चा दे देते, अब तो सब खाते पीते, अब हम जाते हैं तो सब खाते पीते। जी, जी। अतौला खान जी और इमरान खान जी के साथ आपकी कुछ तस्वीरें देखी है, हाँ। इन दोनों के बारे में आप कुछ बताइए कि आपकी कैसे मुलाकात हुई और क्या आपके संबंध है। जब ये वाली जाता तो ये गाने बजाने के इनके प्रोग्राम है लाहौर में, इनके घर कई दफ़ा रह करके है तो लोग ले जाते हैं, ये हमारा लाला दिल्ली का आया है, तो फिर एक दफ़ा मुलाकात हुई तो फिर आना जाना शुरू हो गया। वो दिल्ली आए 2-3 बार आए फैमिली ले करके, 10-12 दिन एक दफ़ा ठहरा, इस घर में भी आके ठहरे, फिर कई दफ़ा सरकारी प्रोग्रामों के लिए भी आया है, लाल पुराने किले में आया है, एक दफ़ा हमने शादी में बुलाया था मियाँ अली नगर में कुछ हमारे भतीजे की शादी तभी हमने बुलाया था, उसमें भी आए थे। तो मेरा नाम तो सारे पाकिस्तान में मशहूर है, ज़िला मियाँ अली के लोग हर एक शहर में रहते हैं ना, तो कोई होती बात होती देखते हुए जिक्र करते हैं, भाई हो दिल्ली कोई आना जाना तो हमारा कोई चीज़ चाहिए मंगा दे, बोले लाला के घर बैठे लाला फिक्र है आपको सब मंगवा देंगे जैसे चाहिए, लाला अपना है जिंदाबाद है। इमरान खान जी से इमरान खान का ये 2006 में शादी थी इस्लामाबाद में, मेरे क्लास वाले के 2 लड़कों की शादी थी, तो उनके घर जो रिसेप्शन था ना वलीमा कहते हैं, तो वलीमे पर फिर हम भी गए थे, इमरान खान भी आया, ये उसे इमरान वलीमे की रिसेप्शन के टाइम की फोटो है, ये 2006 जनवरी की।
आप अपने पाकिस्तान के विजिट्स के बारे में और कुछ हमें बताना चाहते हैं, कोई किस्सा कहानी? बस मैं तो बहुत सारे घूमा, इतना दुनिया इज्जत करती, मैं ओकाड़ा गया, वहाँ बाबा फरीद की दरगाह है, वहाँ वहाँ के जो शहीद नसीर हैं, सरदार खान है, चिश्ती, वो दिल्ली हमारे के भी 10-12 दिन रह के गए, उधर के राइटर बड़े मशहूर है, हमारे खास दोस्त हैं प्रोफेसर सलीम साहब, खुर्शीद वकील है हमारे, ये जो बहुत पुराने मेरे डॉक्टर अकरम खान मेरा क्लास वाला था, गुजर गया, और खान अब्दुस्तार खान खास न्याजी वो लाहौर रहते हैं, उनकी भी कल फौत हुई है, और सर्वर फोटोग्राफर के फादर मेरे, वो भी क्लास वाले थे, एक रेलवे में अफसर गार्ड थे, वो उनका लड़का जो ये किताब लिखने वाला है, ये जो मिट्टी के फर्ज किताब, उन्होंने उसका जो पिताजी है वो मेरे क्लास वाले था, कई लोग मेरे थे क्लास वाले, अब ऐसे ऐसे सारे चले गए, अब इस आज की तारीख में कोई नहीं है क्लास वाले। मिट्टी के फर्जंद किताब के राइटर भी आपके क्लास फेलो थे? हाँ जी, मिट्टी के फर्जंद ना, उसके लड़का, मतलब जिसने लिखी है ना उसका फादर मेरे क्लास वाले थे। और आप एक स्कूल का किस्सा भी बता सकते हैं जहाँ पे आपने नलका और वो? हाँ, एक यतीम खाना स्कूल है जी, यतीम खाना स्कूल है बमिया वाले शहर में, तो हम गए सर्दियों में गए, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था ना, उस स्कूल में मैं जब पहली बार 92 में गया ना, तो बड़ी सर्दी थी जनवरी में, तो कच्ची मिट्टी पर लोग बैठे थे, फर्ज भी नहीं था, मिट्टी पर, मैंने कहा इतना बड़ा ज़िला है यहाँ बैठने के लिए, टाट शाट भी कुछ नहीं है, उनको कुछ भी नहीं है, फिर मैंने 2 रोल टाट के भेजे, कि कोई जा रहा था उर्सों भराते, मैंने कहा किराया भर देना भाई, ले जा ले वहाँ स्कूल में पहुँचा देना, तो ले गए, पहुँच गए, टुकड़ टुकड़ करके 10-15 20-30 पट्टियाँ होगी दोनों थानों में, तो मैं कहा कुछ साल तो चलेंगी याद करेंगे, मैं एक दफ़ा फिर गया तो भाषण दिया स्कूल में, मैंने वहाँ 20 किलो मिठाई खिलाई सब बच्चों को, उस तरह एक यतीम खाना स्कूल है, वहाँ भी कमरा बनवाया था, मेरे नाम की फ़ोटो भी तख्ती लगी हुई है, बर्मा लगवाया था इन्होंने, ओपनिंग सेरेमनी मेरी वाइफ ने करी, उस दिन खानों लड़कियों का स्कूल है सिर्फ, जो गरीब बच्चियाँ हैं सारे वहाँ, फिर मैंने कही, उन्होंने कहा मुझे वो किताबें होती हैं जैसे कार्टून की और ऐसी ऐसी किताबें बच्चों के पढ़ने के लिए कहानियों की, वो मैंने कई दफ़ा भेजी, कोई आता जाता तो भेज दी, कई लोग इलाज मैंने यहाँ कराने के लिए उधर आके इधर आते थे, उनका सारा बंदोबस्त करना, रहने का, उनको रिसीव करना, फिर उनको अस्पताल भेजना, पहुँचा कराना, फिर उनको कोई बिस्तर शिस्तर कोई ज़रूरत हो जाके देना, पता करते रहना, कितने लोग इलाज कराए मैंने, अपनी हेल्प करी, मतलब पैसे खर्च वही करते थे, लेकिन लोकल सपोर्ट की तो बड़ी ज़रूरत होती है ना, फिर आखिरी दिन जब कल जाना है तो उनको फिर घर रात को ले आना, सवेरे उनको बस अड्डे चढ़ा के बस में या रेल में या जहाज जिसमें जाते थे, इस तरीके से हमारा प्यार मोहब्बत बढ़ा हुआ है, वहाँ मुझे लाला लाला कहते हैं, ये बड़ी कहानी है। और आप हमें ये जो मियांवाली नगर है, एक दिल्ली में एक गुड़गांव में, आप इनके बारे में हमें बताइए। ये दिल्ली में है मियां नगर, इसकी ये उन जैसे पार्टीशन के बाद हम लोग दिल्ली आए ना, तो इसी तरह पर सब बड़े बड़े शहरों के, जैसे गुजरांवाला है, मुल्तान नगर है, तो जिस जिस बड़े बड़े शहर वालों ने अपने बड़े बड़े लोगों ने मिल करके सोसाइटी बनाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग कोऑपरेटिव से, फिर गवर्नमेंट को मेंबर बनाया, रजिस्टर कराई, उसके बाद फिर दिल्ली गवर्नमेंट का अप्लाई किया कि हम इस इलाके के इतने लोग हैं और हमें थोड़ा ज़मीन का टुकड़े रात किए जाए, तो हम अपना शहर का नाम रखे यहाँ बनाएंगे, इससे सबको लाट हो गई, किसी को कितनी किसी जितने मेंबरों के हिसाब से, तो इस तरह हमारे मियांवाली नगर मेन रोड पर एक प्लाट अलाट हुआ था, जिसमें अभी तकरीबन 600-700 घर हैं, 600-700 घर हैं, और सबसे अच्छी कॉलोनी इस रोड पर होता रोड पर सबसे अच्छी लोकेलिटी, सबसे महंगी कॉलोनी यही है, बस ऐसे आर्किटेक्ट मेरे बड़े भाई थे, वो तो के लड़के वो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने साहब बहुत सारे नक्शे पास कराए बनाए, उन्होंने खुद ही बनाए, खुद ही पास कराए, रजिस्टर्ड थे। उनका नाम कृष्ण लाल चैकर, उनका लड़का है अजय चैकर, दूसरा लड़का है उनका रजनीश चैकर, तो
तो वैल्यूअर भी थे, बिल्डिंग कंट्रेक्टर भी थे, और नक्शे भी बनाते थे, सारे खुद बनाने वाले थे। जो मेन पार्ट जिसका था हर भगवान सपड़ा, एक बहुत इनका मेन पार्ट था। और एक थे हंसराज बांगा, वो वकील साहब थे, और रोशन लाल थे, गंगाराम गंगा शाह हुजा थे, वो चीफ सेक्रेटरी करोल बाग वाले, और इसी तरह बहुत सारे लोग थे। मनोहर शाह हुजा थे, दरीगंज में रहते थे, एक रोशन लाल डिगणा थे, वो इसी तरह, और कई रामलाल थे। तो उन्होंने फिर इस तरह बना कर अपने ऑफिशियल कमेटी बनाई, फिर मियाँ वाली हाउसिंग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सोसाइटी बनाई, सोसाइटी बना करके फिर अप्लाई किया, अप्लाई किया लैंड मिल गया। उन्होंने अपना फिर लॉटरी सिस्टम से प्लाट जिस जिस का नाम आता गया, कि 200 गज किसी का आया, किसी का 150 गज का, 200 400 गज का, जितने जितने पैसे जिसने जमा कराए थे सबको मिल गए। मगर मैंने कोई अप्लाई नहीं किया था, हमने सोचा इतनी दूर कौन जाएगा, लेकिन आज सबसे महंगी जगह वही है, सबसे बड़ी बड़ी। लेकिन अब मियाँ वाली सोसाइटी में कई लोग बेच बेच के थे चले गए, अब लोकल लोग बहुत आ गए, बढ़िया लोग बहुत आ गए पंजाबी। अभी उनको पैसे अच्छे मिल गए, जैसे जिन्होंने 8,000 का प्लाट लिया था या 20,000 का लिया, अब करोड़ों की ज़मीन हो गई। कोई बना के बेच गया, कोई प्लाट बेच गया, तो अभी आधे से आधे लोग तो सर बाहर के आ गए, आधे तक मियाँ वाली के हैं। लेकिन ना मियाँ वाली नगर है, और सबसे महंगी जगह, सबसे साफ सुथरी जगह, और मेन रोड पर है। पेट्रोल पम्प भी उस रोड में है, पुलिस स्टेशन भी है, डाकखाना भी है, अस्पताल भी है, कितने बैंक हैं, बैंको ढाल जस्ट सामने बैंको ढाल हैं। हमारे उधर मियाँ वाली नगर में मंदिर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मंदिर है, उसमें दशहरा लगता है और शादियाँ भी उसमें होती हैं, बहुत एरिया मंदिर का। इस तरह मेहनत बहुत करी है मियाली बरादरी वालों ने। इस तरह धर्मशाला भी हमारी हरिद्वार में है, मियाली धर्मशाला उस रोड पर है, ऋषिकेश रोड पर, मेन रोड पर है। गुड़गांव में जो मियाली कॉलोनी है बस स्टैंड के पास में, इस रेवाड़ी में पंचायत, मियाली पंचायत घर भी है, मियाली स्कूल भी है, रोहतक में भी है, और इधर लुधियाने में भी है। मैं जहाँ जहाँ मियाली के लोग ज़्यादा रहते, फिर उन्होंने अपने मिलकर बना ली सोसाइटी, फिर ज़मीन लेकर के अपना बना ली प्लाट मकान वगैरह। तो मियाली का नाम इस वक्त सब जगह मशहूर है। मियाली के लोगों में आपस में प्यार मोहब्बत बड़ा है, बहुत प्यार मोहब्बत है। किसी को कोई दुख सुख आए सब इकट्ठे पहुँचते हैं। कोई एक गुजर जाए तो जो उठाला होता है दसवें दिन, उसमें बहुत भारी तादाद में लोग होते हैं, बहुत होते हैं, बहुत अफसोस के लिए आते हैं। प्यार बहुत है मियाली लोगों में। किधर भी कोई दूसरे शहर में अगर मियाली वाला कोई मिल जाएगा, और वो कोई बड़ा अफसर है, और वो अगर वो दूसरा तकलीफ़ में है, कोई मुश्किल काम है, फौरन उसकी मदद करते हैं, फौरन उसका काम करते हैं। चाहे यहाँ आपस में ना बोलते हों, दिल्ली रहते हैं यहाँ फर्स्ट करो नहीं, मियाली रहते थे कहीं नहीं बोलते थे आपस में, भाई वो तो बड़ा आदमी। लेकिन दूसरे शहर में अगर मिल जाए और वो तकलीफ़ में है या कोई दिक्कत है, उसको सारे काम छोड़ के उसकी मदद करेगा। ये खासियत है मियाली के लोगों में, प्यार बहुत है, शहर के नाम से प्यार है, मिट्टी से प्यार है। बारे में कुछ अगर बता सके हमें तो। इसी तरह पढ़े लिखे लोग थे वहाँ पर, उन्होंने फिर सोचा कि हमारी सोसाइटी होनी चाहिए, आपस में मीटिंगें होनी चाहिए, लोगों का दुख सुख हाल चाल बांटना चाहिए, बरादरी कोई किधर है, कोई जलंधर है, कोई अमृतसर है, कोई लुधियाना है, सबको इकट्ठ करना चाहिए। साल में एक दफा हमारा मेला लगता था, मियाली मेला, मियाली हर साल लगता था, अभी कुछ सालों से बंद हो गया, तो नहीं हर साल मेला लगता था, बाहर के लोग आते थे। 1995 के मेले में मियांवाली के लोग भी आए थे पाकिस्तान से, वहाँ सेनेटर रहा था मियांवाली का, वो जो हमारे घरों में रहते हैं, जो हमारे ख़ास मेरे घरों में रहते हैं, वो आए थे। वो वर्ल्ड बैंक मैनेजर था, वो उसकी उसका वीज़ा तो कोई ज़रूरत नहीं है ना, वो यूएनओ का वीज़ा था, वो जहाँ मर्जी आ जा सकते हैं। वो आया था, मैंने उनको इतला दी थी टेलीफोन पर कि भाई इसी तरह मेला है, अब आओ। तो फर्ती से दिमाग है उनको सबसे इंट्रोडक्शन, उसके पिताजी के, मेरे पिताजी और उसके पिताजी क्लास फेलो थे, और घर के भी आमने सामने थे। तो यहाँ उनके कई क्लास फेलो चाचा थे, मतलब क्लास फेलो को उनके चाचे कहते हैं ना, तो वो कई लोग मिले उनको, बड़े रोए, बूढ़े बूढ़े हो गए,
बड़े रोए आपस में, इतना प्यार दिखाया, बगड़ियाँ सबको बांधी, इज्जत दी, बहुत मान दिया, तोहफे दिए। कहते मियाँ की बरादरी जिंदाबाद, हर एक जगह नाम है मियाँ की बरादरी के। वहाँ वाले के लोगों को बड़ा शौक है कि जो भी आता है दिल्ली आता है ना वर्षों पर, तो कहते हैं ये शादी कमी पर या ड्यूटी पर आते हैं, कोई ऑफिशियल काम है तो मियाँ नगर मेरे को कहते ज़रूर दिखाओ, तो सबको ले कर जाता हूँ, फिर भाई के घर ले जाता हूँ, जय के घर ले जाता हूँ, तो सेवा खातर होते। कभी एक दफ़ा तो अलग आया था, प्रोग्राम किया था मियाँ नगर, उस वक्त ये थे हरभवान सपड़ा भी था और ये भांगा साहब थे, उन्होंने 150 आदमी का खाना, नॉन वेज खाना बनाया था, 150 आदमी को बुलाया था, इतनी बड़ी पार्टी करी थी। और उन्होंने पूरा गीत संगीत भी अपना बजाने वाले भी वहीं से लाए थे, इतना मान सम्मान दिया, किराया एक धेला भी नहीं दिया आने जाने का, खुद वो ले आए थे, अपना खर्चा करके आए थे सिर्फ बुलाने पर, तो मेरे घर ठहरे थे जमुना में। चलो अब तो हाँ जी, बस और तो भी खास नहीं है जी। बंटवारे को, आज़ादी को और बंटवारे को 75 साल होने को आए हैं, तो इतने सालों बाद आप इस बंटवारे के बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये बंटवारा होना चाहिए था और आपके इस पे क्या राय है? देखो नहीं होता तो अच्छा था, प्यार दोनों मुल्क एक होते तो बड़ी तरक्की होती, तीन मुल्क होते बांग्लादेश हिंदुस्तान पर, इस वर्ल्ड पावर होती, सबसे ज़्यादा मेहनती लोग इधर के हैं, सबसे चीज़ें यहाँ कीमती चीज़ें पाई जाती हैं, सोना पाया जाता है, ये पैसे पाई जाती हैं, पानी की यहाँ कमी नहीं है, इतने दरिया हैं, बर्फ़ें यहाँ इतनी हैं, पानी पिघल के कितना आता है, कितनी चीज़ की यहाँ अनाज यहाँ सबसे ज़्यादा पैदा होता है, इतना सफिशेंट अनाज आजकल है, आजकल जी कोरोना की वजह से कितना 8-8 महीने का सब लोगों को राशन दे रहे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं, चीनी गुड़ शक्कर सब्जियां फ्रूट हर एक चीज़ की पैदावार बहुत है, किस इलाके में यहाँ कितने मौसम हैं, कितने कल्चर हैं, कितने जबान हैं, यह सब मुल्क दुनिया में कहीं नहीं है, इकट्ठा होता तो बड़ा प्यार रहता है। अब ये साथ साथ अपनी सियासतदानों ने अपने कुर्सी के लिए सब कुछ करा है, अब बन गया तो अब जो भी है अब तो मिलकर रहना चाहिए, अब लड़ाई जाके तो ख़त्म कर दे, उनको अपना मिल गया, हमारे को अपना मिल गया, अभी प्यार में से रहना चाहिए। लेकिन कई ऐसे लोग हैं सियासी लीडर जो फिर भी टेंशन बना के रखते हैं, वो नहीं होना चाहिए। पब्लिक टू पब्लिक कितने कंटेक्ट हो तो कितना अच्छा होता है, आपस में दुख है सुख है, आजकल की जनरेशन को इतना खुशी होती है कि हम अपने इलाके में जाके देखें, लेकिन वीज़े नहीं मिलते आना जाना, कोई इन्वाइट करने वाला कोई नहीं है, वो बुलाने वाला भी डरता है, जाने वाला भी डरता है, तो अगर एक ही होता तो वर्ल्ड पावर होती, हमारी सुपर पावर होती, अमेरिका चीन और रूस से भी ज़्यादा बड़ी पावर होती, इतने दिमाग वाले हैं, इतने लायक लोग हैं यहाँ पर पढ़े लिखे हर कौम में है। अब ये किस्मत की बात है जी, बन गया तो अब तो प्यार से रहना चाहिए, अब झगड़ा फसाद नहीं हो, प्यार मोहब्बत से, वो अपने मजहब से अपना रहें, हम अपने मजहब से रहें जैसे भी है, लेकिन एक दूसरे को नुक्ताचीनी और बस इंटरफियर नहीं करना चाहिए, तभी प्यार बढ़ेगा। लेकिन कई लोग कुछ ऐसे आगे बैड एलिमेंट सब कौम बरादरी में होते हैं जो कि झगड़ा कराते में खुश होते हैं। तो सर और कुछ आप हमसे कुछ कहना चाहें? बस मैंने तो बहुत कुछ कई दफ़े पहले भी इंटरव्यू दिया है, कई दफ़े यूट्यूब पर भी आते हैं, कहानियाँ भी आती हैं, तो हमारे घर तो कई जो उधर से आते हैं मिलने वाले हमारे घर उनको लाते हैं, दावतें देते हैं, बड़े खुश होते हैं कि हमारा अपना घर है, लाल मियाँ अली हाउस है, कोई वो सोचते हैं कि हम अपने घर में बैठे हैं, कोई डर नहीं, कोई ख़तरा नहीं, घूमते फिरते हैं, शादियों पर आते जाते हैं, वीज़े पर आते हैं, वीज़े पर बुलाते हैं उनको, रहते हैं, मिलते जुलते हैं, सब कोई लोग पार्कों में ले जाते हैं, मिलाते करते हैं, खुश हो जाते हैं, उधर वाले भी बरादरी वाले भी यहाँ भी सब खुश होते हैं, मियाँ लंगर घुमा लेते हैं, जैसे फिर जा वीज़ा ख़त्म होता था एक दिन पहले भेज देते हैं वापस, खुश होकर जाते हैं। उदय जी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरा एक इंटरव्यू लिया और आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला,
और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, ये इसकी कापी दोगे तो व्हाट्सएप बना के मैं और लोगों को भी भेजूंगा, ताकि उधर वाले लोग भी पढ़ें, सुनेंगे, खुश होंगे, आपका नाम लेंगे। सर, पार्टीशन म्यूजियम से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू जी। हाँ, सबको धन्यवाद, सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय माता की। सर, एक दो छोटे छोटे सवाल मैं और पूछ लेता हूँ। हाँ, पूछ लो। ये बंद कर, चालू है? चल रहा हूँ। हाँ, वो बाद में कट पीट हो जाएगा। नहीं, इसमें कट हो जाएगा ना। हाँ, काटो मत, रहे ना, तो गलत नहीं हो गया था। नहीं, कुछ गलत नहीं हुआ है। हाँ, वो हम कर लेंगे। तो सर, आपको गांधी जी, नेहरू जी या पार्टीशन के वक्त कुछ सियासी लोगों के बारे में कुछ याद है? नहीं, मैं तो हर से मैं चौथी क्लास से जाते थे, स्कूल की तरफ से जाते थे। तो कभी इन लीडरों का नाम सुना हो, किसी को देखा हो? नहीं, महात्मा गांधी का नाम सुनते थे, महात्मा गांधी बस, और किसी का नाम नहीं सुनते थे। अच्छा। उस वक्त हमें समझ नहीं इतने नहीं थे क्या सियासत क्या होती है क्या नहीं होती। वहाँ जी छठी जमात सातवीं जमात में इतना, उस वक्त गांव में इतना कहाँ समझ आती, बड़े शहर में तो खैर कोई अखबार है पढ़ना, टीवी रेडियो सुन, उस वक्त टीवी थे नहीं, लेकिन हमने उसे कभी सुना नहीं। वर्ल्ड वॉर टू के बारे में कोई बात कभी होती हो? हाँ जी, वर्ल्ड वॉर टू नहीं, वही इतना सुनते थे कि दूसरी लड़ाई हुई, जंग आज़ादी हुई थी, लड़ाई तो बड़ी भारी थी, नुकसान हुआ था, बहुत लोग मरे थे, 1914 में ही बड़ी लड़ाई हुई थी, बाकी कौन लड़े कौन ये हमें कुछ नहीं पता। जी जी जी, मेरे हिसाब से तुमने सब कवर कर लिया है। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।